हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3rd 8th क्लास साइंस। चैप्टर नेम इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। चैप्टर के नाम को देखिए, पहले समझिए इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम। सिंथेटिक फाइबर्स, जो कि आपने 7th क्लास के अंदर किया था, नेचुरल फाइबर्स, कॉटन के बारे में, वूल के बारे में, सिल्क के बारे में। अब हम 8th क्लास में करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक का मतलब है जो कि मैन मेड हो, जो आर्टिफिशियली बनाया गया हो, उस फाइबर के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। और उसके बाद इसके अलावा हम करेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक भी एक आप सिंथेटिक टाइप का एक पॉलीमर ही होता है। तो कैसे बनता है प्लास्टिक और क्या यूजेज हैं, कहाँ पे इसको हमें यूज़ कम करना चाहिए, एनवायरनमेंट को कैसे सेफ रखें ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ अवॉइड करके, तो इसके बारे में करेंगे अभी हम। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक। जो हम कपड़े पहनते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, फैब्रिक के बने होते हैं। देखो, एक तो होता है आपका फाइबर और एक होता है आपके फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब क्या है, कपड़े, और फाइबर्स को वो हम क्या बोलते हैं, रेशे। रेशों से क्या तैयार किए जाते हैं, रेशों को बुनकर उनसे तैयार किए जाते हैं कपड़े। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। फैब्रिक कहाँ से बनाए जाते हैं, आपके कपड़े कहाँ से तैयार किए जाते हैं, रेशों से तैयार किए जाते हैं, और रेशों को हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। और जो ये रेशे हमें मिलते हैं जिससे हम अपने कपड़ों को रेडी करते हैं, वो नेचुरल भी हो सकते हैं सोर्स उसका, और उसका सोर्स क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल का मतलब उनका सोर्स हमारा प्लांट्स भी हो सकते हैं, और आर्टिफिशियल मतलब वो किसी केमिकल का यूज़ करके भी हमारे फाइबर्स बनाए जा सकते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर, क्या आप यहाँ पे कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम दोगे? जैसे कि पता ही आपको, कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये किसके एग्जांपल आपके नेचुरल फाइबर्स के। फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउसहोल्ड आर्टिकल्स। हम कपड़े तो बनाते ही हैं फाइबर से, फैब्रिक्स तो बनाते ही हैं। फैब्रिक्स के अलावा हम बहुत सारे आइटम्स हैं जो हाउस होल्ड आइटम्स, आर्टिकल्स, उसको भी हम किसका यूज़ करके बनाते हैं, फाइबर्स का यूज़ करके। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। हमें लिस्ट देनी है, हमें नाम देना है उन आर्टिकल्स का जिसका यूज़ करके हम क्या, जिसको, जिसमें फाइबर्स का यूज़ करके उन आर्टिकल्स को बनाया जाता है। Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. फिर हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। जैसे कि आपके सामने एक टेबल दी गई है 3.1, इसमें आपको आर्टिकल का नाम लिखना है और आपको बताना है कि जो आपका आर्टिकल है वो नेचुरल फाइबर से बना हुआ है या फिर आपका आर्टिफिशियल फाइबर से। जैसे कि आर्टिकल में ये टेबल आप खुद फिल करेंगे, एक दो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपके पास है रोप, रोप जैसे मैंने आर्टिकल का नाम लिखा है रोप, तो रोप किस चीज़ से बना होता है आपका, आर्टिफिशियल फाइबर से। उसके बाद दूसरा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है टूथब्रश, टूथब्रश के जो ब्रशल्स हैं और जो टूथब्रश का जो हैंडल है वो आपका दोनों किससे बना होगा, आपका आर्टिफिशियल फाइबर से। उसके बाद इसी तरह के आप और एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे बकेट ले लिया, मग ले लिया आपने, या कोई भी आपका कॉम हो गया, या फिर आपके जैसे कि लाइफ जैकेट हो गई, या फिर कर्टेंस हो गए, तो इस तरह के आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, और उसको आप यहाँ पे आर्टिकल के अंदर फिल करेंगे, अपने आप से ट्राई करना है आपको, और फाइबर में आप बताएंगे वो नेचुरल है या फिर वो आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए, यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस डैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल एंड सिल्क्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो हमें एग्जांपल दे रखे हैं, कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ऑब्टेन मतलब कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये हमें प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से यूज़ करके मिलते हैं। जैसे आपको पता है वूल है, ऊन है आपकी, उसके लिए आपको क्या है, एनिमल का यूज़ करना पड़ेगा, उसके हेयर रिमूव करने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपको वूल मिलेगी। और सिल्क है, सिल्क में भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिल्क वॉर्म एनिमल को रियर करना पड़ेगा, पालना पड़ेगा उसको, फिर उससे हम प्रोसेस करके क्या बनाते हैं, सिल्क फाइबर। और कॉटन आपको पता है, कॉटन कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट से मिलता है, प्लांट ग्रो करवाते हैं हम कॉटन लेने के लिए। तो आपको यहाँ पे नज़र आया होगा कि जो हमारे सोर्सेज हैं नेचुरल फाइबर के, वो प्लांट्स भी हैं और साथ में क्या है, एनिमल्स भी है। कॉटन तो आपका एग्जाम्पल आ गया प्लांट्स के अंदर, और वूल और सिल्क आपका एग्जाम्पल आ गया एनिमल्स के अंदर।
अब उसके बाद है आपका द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। जो सिंथेटिक फाइबर जो कि चैप्टर का नाम है उसको कौन बनाते हैं, उसको बनाते हैं हम खुद बनाते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स रेडी करते हैं उनको, इसलिए सिंथेटिक फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर्स बोल सकते हो आप इनको, सिंथेटिक फाइबर बोल सकते हो, और इसके अलावा क्या बोल सकते हैं इसको हम, मैन मेड फाइबर्स। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को समझने से पहले कि हम यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है हमें जिसको हम पढ़ेंगे अभी, यहाँ पे एक नेकलेस है और दूसरा हमारा पेपर क्लिप का यूज़ करके एक लॉन्ग चेन बनाई गई है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। आपको क्या करना है, एक थ्रेड लेना है, आपको मोती लेने हैं जिसको हम बीड्स बोलते हैं, और थ्रेड के अंदर आपको मोतियों को क्या करना है, पिरोना है। और जैसे ही आप मोतियों को थ्रेड के अंदर पिरोते हो तो आपके पास क्या रेडी हो जाएगा, एक नेकलेस रेडी हो जाएगा। तो इस नेकलेस के अंदर क्या हुआ, हमने छोटे छोटे यूनिट्स मतलब छोटे छोटे जो मोती हैं उनको हमने पिरोया है, और एक हमारे पास क्या रेडी हो गई है, बड़ी यूनिट। और बड़ी यूनिट को हमने क्या नाम दे दिया है, नेकलेस। जो बीड्स हैं उनको हमने छोटी यूनिट बोला है, और जो नेकलेस रेडी हो गया है वो क्या है, हमारी बड़ी यूनिट। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। देखो आपने देखी होंगी ये पेपर क्लिप्स, पेपर क्लिप्स को क्या किया गया है, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया है, और जोड़ने के बाद क्या बना दी गई है, उसकी एक लंबी चेन। तो आपको ये बोला गया है कि आपको इन दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है, जो बीड्स आपने यूज की हैं, जो पेपर क्लिप आपने यूज की हैं, दोनों को यूज करके क्या बना दिया गया है, एक लंबी चेन बना दी गई है। तो इसी तरह का कुछ हमारा प्रोसेस यूज होता है सिंथेटिक फाइबर्स को प्रिपेयर करने के लिए। उसके अंदर भी क्या किया जाता है, छोटी छोटी यूनिट्स को ज्वाइन किया जाता है, और उसके बाद फिर हमारे पास फाइबर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ से, अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर भी क्या है, हमारे पास एक चेन है। जैसे कि हमने किसको बनाया था, नेकलेस को बनाया था अभी, और जो पेपर क्लिप की चेन बनाई थी हमने, तो उसी की तरह क्या है, हमारा सिंथेटिक फाइबर भी एक चेन है। और इस चेन के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी जो यूनिट्स है वो क्या होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे साइंटिफिक जो डेफिनेशन आई हमारे सिंथेटिक फाइबर्स की, सिंथेटिक फाइबर्स आर अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर, लाइक द बीड्स जॉइन टू मेक अ नेकलेस एंड द पेपर क्लिप्स यूज टू जॉइन टू मेक अ लॉन्ग चेन। ई स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। देखो अब जैसे जो बीड्स हमने यूज़ किए थे नेकलेस बनाने के लिए, उसी तरह आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, केमिकल की जरूरत पड़ती है, और केमिकल की हमें क्या लेनी पड़ती है, एक छोटी सी यूनिट लेनी पड़ती है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो हम छोटी यूनिट्स यूज़ करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, मोनोमर्स। क्या नाम है, जो छोटी यूनिट हम यूज़ करेंगे, मोनोमर। जैसे बीड था आपका, बीड क्या था आपका, जो मोती था वो एक मोनोमर की तरह ही है नेकलेस को बनाने के लिए। और जब ये बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे के साथ जुड़ के एक लंबी यूनिट बना देंगे, एक सिंगल लंबी यूनिट बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। यहां से क्वेश्चन निकल के आया, व्हाट आर पॉलीमर, व्हेन स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट। स्मॉल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर्स बोलते हैं, और बड़ी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। एक्चुअल में पॉली के अंदर दो ग्रीक लेटर है हमारे, एक तो है पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और मर का मतलब क्या होता है, यूनिट और पार्ट, जिसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स क्या है, जुड़ी हुई है, उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीमर। और मोनो का मतलब क्या है, सिंगल, मर का मतलब क्या है, यूनिट और पार्ट। मोनोमर के अंदर एक सिंगल यूनिट होगा, एक सिंगल पार्ट होगा, और पॉलीमर के अंदर क्या होगा, हमारा बहुत सारे पार्ट्स जुड़े होंगे या बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स जुड़ी होंगी। लास्ट में देखिए, पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। जो पॉलीमर है वो किस चीज का बना होता है, बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स का। पॉलीमर्स अकर्स इन नेचर ऑल्सो। जो पॉलीमर है हम, जिनको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, वो हमारे नेचर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉटन, कॉटन क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है। आर्टिफिशियल पॉलीमर हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन कॉटन क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि हमारी नेचर ने हमें प्रोवाइड करवाया है। इसके अंदर क्या होते हैं हमारे, जिसको बहुत छोटे छोटे जो यूनिट्स जुड़ती हैं उसका नाम क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज। क्या नाम है, ग्लूकोज। तो हम क्या बोल सकते हैं, कॉटन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमर। और कॉटन किसका पॉलीमर है, सेलुलोज का पॉलीमर है। और सेलुलोज के अंदर क्या होता है, हमारी बहुत सारी जो ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ के तब किसकी फॉर्मेशन करती हैं, सेलुलोज की फॉर्मेशन करती हैं। तो कॉटन इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सिंथेटिक फाइबर है तो हम सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स के बारे में करेंगे, क्या यूजेज है सिंथेटिक फाइबर्स के और कैसे इन सिंथेटिक फाइबर्स को हम प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका सबसे जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, रेयोन। क्या नाम है यहाँ पे, रेयोन। रेयोन आपका आर्टिफिशियल सिल्क को ही रेयोन बोला जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क है रेयोन का दूसरा नाम, या फिर आप क्या लिख सकते हो आर्टिफिशियल सिल्क को ही क्या बोलते हैं हम, रेयोन बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। यू हैव रीड इन क्लास 7 डेट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज कैप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो रेयोन है सबसे पहले जो इसकी डिस्कवरी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, चाइना के अंदर हुई थी, और इसको किसके यूज़ करके बनाया गया था, सिल्क वॉर्म का यूज़ करके सिल्क फाइबर को रेडी किया गया था। लेकिन चाइना ने क्या किया, लंबे टाइम तक इस सीक्रेट को किसी को डिस्क्लोज नहीं किया। उसके बाद आगे देखिए, फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर्स वॉज वेरी कॉस्टली। जो फैब्रिक ऑब्टेन होंगे मतलब जो कपड़े बनाते हैं हम सिल्क फाइबर के, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्चर फैसिनेटिंग एवरी बडी। लेकिन इसका जो टेक्स्चर है, जो बनावट है इनके कपड़ों की, वो बहुत क्या होती है, बहुत ही सुंदर होती है, जो कि सभी के द्वारा पसंद की जाती है। Attempts were made to make silk artificially. देखो आपको पता है वैसे तो बहुत महंगे फाइबर्स आते हैं हमारे सिल्क के, कपड़े बहुत महंगे होते हैं सिल्क के जो क्लोथ होते हैं, तो क्या किया गया, आर्टिफिशियली सिल्क को बनाने के लिए तैयारियाँ की गई कि कैसे आर्टिफिशियली हम सिल्क को रेडी करें। ये जो हमारी अटैम्प्ट थी आर्टिफिशियल सिल्क को रेडी करने की, टुआर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी हम इसमें क्या हो गए, सक्सेस हो गए। तो हमें क्या मिला, एक ऐसा फाइबर मिला जिसकी जो प्रॉपर्टी थी वो किसके सिमिलर थी, सिल्क के सिमिलर थी। लेकिन ये कैसा फाइबर था, ये था हमारा सिंथेटिक फाइबर, और इसी सिंथेटिक फाइबर को क्या नाम दिया गया, रेयोन। और रेयोन का दूसरा नाम क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं इसको हम। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ वुड पल्प। देखो जो हमारा ये फाइबर ऑब्टेन होता है, जो रेयोन है जिसका नाम आर्टिफिशियल सिल्क भी जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है कि जो हमारा कुछ एक जो नेचुरल पार्ट है, नेचुरल पार्ट में क्या हमारा वुड पल्प, उसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ, केमिकल्स के साथ, उससे जाके फिर हमारा क्या बनता है, आर्टिफिशियल सिल्क। मतलब आप बोल सकते हो कि जो ये फाइबर है इसको बनाने के लिए हमारे कुछ एक जो रॉ मटेरियल्स हैं, नेचुरल रॉ मटेरियल्स को इसको हम यूज़ करके आर्टिफिशियल सिल्क को प्रिपेयर करते हैं। Although rayon is obtained from natural source wood pulp, yet it is man-made fiber. आपको पता है natural source हम use कर रहे हैं इसके अंदर, wood pulp use किया जा रहा है इसके अंदर, फिर भी इसको हम क्या बोलते हैं, man-made fiber इसको बोला जाता है। It is cheaper than silk and can be woven like silk fiber. और इसकी खासियत क्या है, ये सिल्क से क्या है, जो कि हमारा नेचुरल फाइबर है उससे क्या है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, और इसको भी हम वूवन कर सकते हैं, बुनाई करके इसको सिल्क फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या फ़ायदे हैं, जो सिल्क है हमारा जो नेचुरल सिल्क है उसके कंपेयर में जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसको डाई किया जा सकता है वेराइटी ऑफ कलर्स के अंदर, मतलब इसके अलग अलग कलर्स के कपड़े हम आराम से बना सकते हैं। और क्या फ़ायदा है इसको, इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉटन के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है, जो आपकी आर्टिफिशियल सिल्क है उसकी मिक्सिंग किसके साथ की जाती है, कॉटन। कॉटन क्या है, आपका नेचुरल फाइबर, और उससे क्या बनाई जाती है, बेड शीट्स। उसके अलावा जो आपका रेयोन है उसको किसके साथ मिक्स किया जाता है, वूल के साथ मिक्स किया जाता है, और वूल कैसा फाइबर है आपका, नेचुरल फाइबर, और उससे क्या बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने किया कि जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसको हम रेयोन बोलते हैं, और आर्टिफिशियल सिल्क सेम किसकी तरह लगता है हमें, सिल्क की तरह ही लगता है, लेकिन ये एक नकली सिल्क है, इसको हम असली सिल्क नहीं बोल सकते। और इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एक हमें रॉ मटेरियल प्लांट पार्ट का यूज़ करना पड़ता है, और प्लांट पार्ट का नाम क्या है जिसको हम यूज़ करके इसको प्रिपेयर करते हैं, उसका नाम है आपका वुड पल्प। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया हमारा रेयोन के बारे में कंप्लीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। यहाँ से लिख सकते हो व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द रेयोन, आप बोलेंगे आर्टिफिशियल सिल्क। नेक्स्ट है आपका नाइलोन। नाइलोन भी क्या है, एक मैनमेड फाइबर है, और ये भी क्या है आपका, आर्टिफिशियल फाइबर ही बोलेंगे इसको।
In 1931, it was made without using any natural raw material from plant or animal. देखो जैसे कि आपने पीछे देखा है कि जो रेयन है उसको बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ी थी, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी थी. रॉ मटेरियल किसका लिया हमने, प्लांट पार्ट यूज़ किया था, वुड पल्प यूज़ किया था. लेकिन नायलोन हमारा पहला ऐसा फाइबर बनाया गया जिसको बनाने के लिए हमने कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल, ना तो प्लांट पार्ट यूज़ किया हमने और ना ही एनिमल पार्ट यूज़ किया. और ये पूरा का पूरा हमने किससे बनाया, बाय द यूज़ ऑफ द केमिकल. अब देखिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है हमें इसको बनाने के लिए. इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. ये किस चीज़ का यूज़ करके बनाया गया, कोल का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, और साथ में किस चीज़ का यूज़ किया यहाँ पे, वाटर का. अंडरलाइन कर देते हैं हम, कोल है आपका, वाटर है और साथ में एयर है. इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन के आया यहाँ पे, नेम द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, तो आपका आंसर क्या होगा, नाइलोन. या फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि नेम द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इन विच प्लांट पार्ट आर यूज, तो उसका आप नाम क्या देंगे, रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क. अब इसके कपड़ा है जो हमारे पास नायलोन का, उसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं अभी हम. नायलोन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होता है ये, इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब है स्ट्रेचेबल है ये, एंड लाइट, लाइट का मतलब है कि इसका जो वेट है वो क्या होता है, कम होता है. तो नायलोन जो फाइबर उसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, आराम से स्टिच वो कर सकते हैं इसको, जो खिंचाई की जा सकती है इसकी, मतलब उसके बाद इसका नेक्स्ट है लाइट. लाइट मतलब आपको मैं बता चुकी हूँ, वेट कम होता है. इट वॉज लश्चरस, जो इसका कपड़ा है इसके अंदर क्या होती है, शाइनिंग होती है, एंड ईजी टू वॉश, और इसको जो वॉश करना है वो भी क्या है, बहुत ही आसान है. सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ. इसलिए एक नायलोन जो फाइबर है उसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है आज के टाइम पे, क्या बनाने के लिए, क्लोथ्स को बनाने के लिए. अब हम नेक्स्ट करेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हम बना सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ द नायलोन. देखिए यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे हैं, सॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पे, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार की सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, इन सब को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, नायलोन फाइबर का. देखिए आपको यहाँ पे कर्टेन नज़र आ रहे हैं, ये सॉक्स भी नज़र आ रही हैं, टूथब्रश भी नज़र आ रही हैं, रोप्स भी नज़र आ रही हैं. तो ये सब किस चीज़ का यूज़ करके बनाए जाते हैं, नायलोन फाइबर का. इसके अलावा देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयन. ये रेयन के मतलब वही सिल्क वाले फाइबर्स हैं, उसका यूज़ करके हमारा सिल्क क्लोथ्स बनाए गए हैं, लेकिन ये कैसे हैं, आर्टिफिशियल सिल्क है. नेक्स्ट देखिए बूझो क्या पूछना चाह रहा है आपको यहाँ से, इज़ नायलोन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग डैट वी कैन मेक नायलोन पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. इन्होंने ये बोला है कि जो नायलोन फाइबर है क्या वो सच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसका यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, पैराशूट बना सकते हैं और रोप्स बना सकते हैं, क्या करने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग्स के लिए. तो अभी हमने यहाँ पे कौन कौन से फाइबर किए हैं, एक तो किया हमने यहाँ पे नायलोन और एक किया हमने यहाँ पे रेयन. अभी देखिए इन्होंने पीछे बोला था नायलोन फाइबर का यूज करके क्या बनाया गया है, पैराशूट्स बनाए गए हैं, देख पा रहे हो अभी यहाँ पे पैराशूट्स को आप. और देखिए दूसरा यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, रोप क्लाइंबिंग करते हुए नजर आ रहा है एक पर्सन आपको. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फाइबर है ये क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, ये ड्यूरेबल है. ए नायलोन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर. जो स्टील वायर है उससे भी क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है हमारा नायलोन का थ्रेड. मतलब एक मेटल जो हमारे पास एक एलोए है उससे कंपेयर कर दिया इन्होंने नायलोन थ्रेड को. अभी इन्होंने पीछे क्वेश्चन किया था ना कि क्या इतना स्ट्रॉन्ग है जिसका हम यूज़ पैराशूट क्लाइंबिंग के लिए या फिर रॉक क्लाइंबिंग के लिए करते हैं. यस, इट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्ग देन द स्टील वायर. स्टील वायर से भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है नायलोन का थ्रेड. इसलिए क्या करते हैं हम इसका यूज़ करके रॉक क्लाइंबिंग करते हैं और पैराशूट्स का बनाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं. अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी. एक्टिविटी के अंदर क्या किया गया है, एक्टिविटी के अंदर आपको दिया गया है टेक एन आयरन स्टैंड. एक आयरन स्टैंड आपको नज़र आ रहा है, क्लैम्प. क्लैम्प कौन सा है इसमें आपको, ये जो साइड में ये नज़र आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लैम्प. और ये पूरा क्या हमारे पास, आयरन स्टैंड. टेक अ कॉटन थ्रेड, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, कॉटन थ्रेड लेना आपको. कितनी लेंथ का लेना है यहाँ पे, 60 सेंटीमीटर लेंथ. टाई इट टू द क्लैम्प, इसको आपको क्या कर देना है, बांध देना है क्लैम्प के साथ. सो डैट इट हैंग फ्रीली फ्रॉम इट, और ये किस तरह से बांधना आपको कि ये आराम से क्या कर सके, इसको लटक जाए आराम से यह हमारा एयर के अंदर. उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको क्या बताना है, आपको इसके अंदर वेट रखना है. जो नीचे आपको पैन नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे,
देखिए ये पेन है, इसके अंदर आपको क्या रखना है, वेट रखना है। ये वेट दिख रहा है इसके अंदर आपको, और उसके बाद क्या नज़र आएगा आपको, आपको यहाँ पे चेक करना है। अलग अलग हम यहाँ पे फाइबर्स लेंगे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, अलग अलग फाइबर्स लेने हैं और यूज़ करना है कि कौन से फाइबर की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। तो देखिए आगे क्या किया गया है इन्होंने, ऐड वेट वन बाय वन टिल द थ्रेड ब्रेक। आपको क्या करना है, इसके अंदर पैन के अंदर आपको वेट ऐड करते जाना है। कब तक आपको वेट ऐड करना है, जब तक हमारा थ्रेड टूट ना जाए। फिर आप नोट करेंगे कितना वेट आपका जो थ्रेड है वो सहन कर पाया, कितने वेट के बाद वो टूट गया है। तो इससे हम रिपीट करेंगे ये एक्टिविटी। थ्रेड ले लिया, एक बार हमने कॉटन का ले लिया है, एक बार हमने वूल का थ्रेड ले लिया है, फिर हमने पॉलिएस्टर का ले लिया है, सिल्क का ले लिया है, नायलॉन का ले लिया है। तो इससे हम चेक कर पाएंगे कि कौन सा जो हमारा थ्रेड है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कौन ज़्यादा वेट को सहन कर सकता है। अब इसमें आपको ये फिल करना है एक्टिविटी के अंदर कि कॉटन कितना जो थ्रेड था, और जो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमें थ्रेड लेना है उसकी जो लेंथ है हमें सेम रखनी है। अगर कॉटन थ्रेड लिया तो कॉटन की लेंथ, वूल की लेंथ, सिल्क की लेंथ और नायलॉन की लेंथ हमें क्या रखनी है, सेम रखनी है। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर होगा वो होगा आपका नायलॉन, उसके बाद आपका सिल्क, फिर आपका वूल, और सबसे जो वीक मतलब जो जल्दी से टूट जाएगा आपका, जल्दी से ख़राब हो जाएगा, जो कम वेट सहन कर पाएगा वो फाइबर कौन सा होगा आपका, कॉटन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम पॉलिएस्टर, एक्राइलिक और जो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स बचे हुए हैं। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है नेचुरल फाइबर क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर क्या है, क्या क्या यूज है इनका, कैसे बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल फाइबर डिस्कस कर चुके हैं। रेयोन एंड नाइलोन कैसे बनाया जाता है, उनको बनाने के लिए हमें किस किस केमिकल की या किस नेचुरल मटेरियल की ज़रूरत है वो हम बात कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे दो और बचे हुए हमारे जो केमिकल सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो। सबसे पहले फर्स्ट है आपका पॉलिएस्टर और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्राइलिक। तो पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ते हैं अभी हम पहले। पॉलिएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर ही है हमारा पॉलिएस्टर। रेयोन नायलोन इससे पहले हम कर चुके हैं। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डोंट गेट रिंकल्ड ईजिली। जो फैब्रिक बनाए जाते हैं, जो कपड़े बनाए जाते हैं इस फाइबर से, वो जल्दी से रिंकल नहीं होते। रिंकल का मतलब है कि सिलवटें जल्दी से इनके ऊपर नहीं आती है, इनको इस कपड़ों को ज़्यादा प्रेस की ज़रूरत नहीं होती। इट रिमेन क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। ये कपड़े कैसे रहते हैं, कुरकुरे रहते हैं, मतलब इनको ऐसा लगेगा आपने कि आपने क्या कर रखा है, प्रेस कर रखा है इनके ऊपर। एंड इट ईजी टू वॉश, इट इज़ ईजी टू वॉश का मतलब क्या है, ये आसानी से कपड़े साफ भी हो जाते हैं, जल्दी से इनकी धुलाई हो जाएगी। सो इट इज़ क्वाइट स्टेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो इसलिए इनका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पॉलिएस्टर का कपड़े बनाने के लिए, ड्रेस मटेरियल को रेडी करने के लिए। You must have seen people wearing polyester shirt and other dresses. आपने देखा भी होगा polyester shirts वगैरह, dresses वगैरह डाले हुए बहुत सारे peoples को। टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। जो टेरिलिन है वो किसका एग्जाम्पल है, पॉलिएस्टर का ही एग्जाम्पल है। मतलब टेरिलिन इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिएस्टर, इट इज़ ड्रोन इंटू वेरी फाइन। जो टेरिलिन है, मतलब अगर आप पॉलिएस्टर की बात कर रहे हैं तो पॉलिएस्टर क्या है आपका, टेरिलिन ही है। टेरिलिन का मतलब क्या, आपका पॉलिएस्टर ही है। दूसरा नाम है, मतलब एक सिंपल नेम दे दिया गया है। पॉलिएस्टर यूज़ ना करने की बजाय हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, टेरिलिन वर्ड यूज़ करेंगे पॉलिएस्टर की जगह पे। इट कैन ऑल्सो बी ड्रोन इंटू वेरी फाइन फाइबर्स। जो हमारा टेरिलिन है उसके हम क्या कर सकते हैं, पतले पतले फाइबर्स बना सकते हैं, और उन फाइबर्स को हम क्या करेंगे, वूवन लाइक इनटू एनी अदर यान। और उसको यान का मतलब होता है धागा, तो उसको हम वूवन करके क्या कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं, यान के अंदर, धागे में उनको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो अभी हमने किसके बारे में किया, ये पॉलिएस्टर के बारे में। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पहेली क्या बोल रही है यहाँ पे। माई मदर ऑलवेज बाय पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर, आई वंडर व्हाट पेट इज़। इन्होंने बोला यहाँ पे कि जो इसने ज़्यादातर देखा है कि जो इसकी मदर है वो पेट बॉटल्स खरीदती हैं और ज़्यादातर पेट जार्स यूज़ करती है, क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए राइस शुगर। जैसे आपने देखा होगा किचन के अंदर ज़्यादातर जो हमारे कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर हम स्टोरेज करते हैं, वो ज़्यादातर आपके पेट के या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं, स्पेशली लिखा होता है बॉटल्स के ऊपर पेट बॉटल्स। तो पेट एक्चुअल में है क्या, पेट के अंदर क्या किया जाता है, आपका जो पॉलीथीन है,
ठीक है, पोलीथीन यूज़ किया जाता है इसके अंदर। इसकी फुल फॉर्म चेक कीजिए क्या है, पोली इथाइलिन टेरा पिथलेट। ये भी क्या है, एक तरह का पोलिस्टर ही है। देखो हमने पीछे किया था टेरिलिन, जो टेरिलिन भी क्या है, एक तरह का पोलिस्टर ही है, और पेट भी क्या है, एक तरह का पोलिस्टर ही है। मतलब एक तरह का क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर ही है, जिसका यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, जिससे हम जो घर पे जार वगैरह यूज़ करते हैं, जो वाटर बॉटल यूज़ करते हैं हम पेट की, वो सब किसका यूज़ करके बनाया जाता है, पोलिस्टर का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, बताया गया है। पेट का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, बॉटल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए, जो रील होते हैं ना, जो हम फिल्म के अंदर यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए, तो फिल्म बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए, और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पेट का। और पेट क्या है, पेट इज़ अ टाइप ऑफ पोलिस्टर। मतलब पोलिस्टर का यूज़ करके हम कपड़े भी बनाते हैं, और पोलिस्टर का यूज़ करके हम घर के जो आइटम्स हैं किचन वगैरह के, जो वाटर बॉटल्स हैं, उसको भी हम बनाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला है, लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग मेड अप ऑफ पोलिस्टर। तो आपको अपने आसपास में ऑब्जर्व करना है और उनकी लिस्ट बनानी है आपको, जो पोलिस्टर से बनी हुई आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, पोलिस्टर के बारे में बताया गया आपको। पोलिस्टर को दो वर्ड से मिलके बना है, पोली प्लस एस्टर। पोली का मतलब क्या है, एक पॉलीमर है ये, और किसका पॉलीमर है ये, एस्टर मोनोमर्स यूनिट का। तो इसमें लिखा हुआ है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एंड एस्टर। मतलब पोलिस्टर बनाने के लिए जो एस्टर्स की जो यूनिट्स होती हैं, मोनोमर्स होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं, और फिर वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, पोलिस्टर की फॉर्मेशन करते हैं। अभी हम बात करेंगे एस्टर क्या होते हैं। एस्टर एक ऐसे केमिकल हैं जिनका यूज़ हम परफ्यूम्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे जो स्वीट स्मेलिंग एजेंट है ना, परफ्यूम हो गया, या फिर आपके जो हम आइसक्रीम वगैरह के अंदर जो हम फ्लेवर ऐड करते हैं, वेनिला हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, तो ये जो भी हमारी जो स्मेल आती है, जो अच्छे वाली जो फ्रूट स्मेल है, उसको कौन प्रोवाइड करता है, एस्टर। और एस्टर होते क्या है, एक तरह के केमिकल्स। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट एक्सेट्रा। आपने कई बार सुना होगा, जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो जो शॉपकीपर है वो आपको क्या बोलता है कि ये आपका पॉलीकोट है कपड़ा, आपको मतलब वो वैरायटी बताता है, ये कपड़ा है किस चीज़ का, टेरिकोट है या पॉलीवूल है। जो वो टेरिकोट वर्ड यूज़ करता है, पॉलीवूल वर्ड यूज़ करता है, एक्चुअल में क्या मतलब है उसका, उसके अंदर क्या है आपका, जो इस तरह के जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, अलग अलग तरह के फाइबर्स का। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया सबसे पहले पॉलीकोट। पॉलीकोट में देखिए, एक तो वर्ड है आपका पॉली और दूसरा है आपका कोट। जो पॉली वर्ड है वो लिया गया आपका पॉलिस्टर से, पॉलिस्टर से आपका जो पॉली वर्ड है वो ले लिया गया है, और जो कॉटन है, कॉटन से आपका कौन सा वर्ड लिया गया है, कोट। तो दोनों का मिक्सचर है आपका पॉलीकोट के अंदर। मतलब इसके अंदर क्या है, आपका पॉलिस्टर भी है और साथ में आपका कॉटन फैब्रिक भी है, दोनों को क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। सेम उसके बाद आपका पॉलीवूल, पॉलीवूल के अंदर किसका मिक्सचर है, पॉलिस्टर का मिक्सचर है, और साथ में कौन सा फाइबर आपका, जो नेचुरल फाइबर आपका वूल है, वो भी उसके अंदर थोड़ा बहुत क्या है, मिक्स है। एक और बच गया हमारे यहाँ पे टेरिकोट। टेरिकोट में किसका मिक्सचर है, टेरिकोट में टेरिलिन, और टेरिलिन क्या है आपका, एक तरह का पॉलिस्टर ही है। मतलब इसके अंदर टेरिलिन प्लस कॉटन, दो आपके फाइबर्स इसके अंदर मिक्स हैं। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे बात करेंगे एक्राइलिक की। एक्राइलिक क्या है, एक तरह से आपको पता होगा, जो वूल के कपड़े हमारे, जैसे ब्लैंकेट वगैरह है, या जो हम वूलन कपड़े डालते हैं, वो एक्चुअल में वो हमारी नेचुरल वूल नहीं है, वो वूल केमिकल्स को यूज़ करके बनाई जाती है वो वूल। क्योंकि जो नेचुरल वूल है उसके लिए हमें शिप वगैरह पालने पड़ेंगे, और जो उसकी जो वूल होती है वो काफ़ी प्रोसेसिंग के बाद हमें मिलती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाती है, वो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा वूल को हम नहीं कर पाते हैं, तो क्या किया जाता है, उसको केमिकली प्रिपेयर किया जाता है वूल को। तो जो आपका आर्टिफिशियल वूल है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्राइलिक। क्या नाम है आर्टिफिशियल वूल का, एक्राइलिक। और रेयोन किसका नाम था, आपने किया था आर्टिफिशियल सिल्क का। आर्टिफिशियल सिल्क है आपका यहाँ पे रेयोन, और जो आपका आर्टिफिशियल वूल है उसका नाम क्या है यहाँ पे, एक्राइलिक। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वी वियर स्वेटर्स, यूज शॉल, ब्लैंकेट्स इन द विंटर। पता है आप यूज़ करते हैं इन सभी चीज़ों को। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। ज़्यादातर इसमें से जो आप यूज़ करते हैं चीज़ें, वो जो नेचुरल वूल है उससे नहीं बनाई जाती। दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, लेकिन हमें लगता कैसा है वो, कि वो वूल से ही बने हुए हैं। दे आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, वो एक दूसरे टाइप के सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं, जो भी हमें वूल जैसे वो कपड़े दिखते हैं, और उसका क्या नाम है यहाँ पे, एक्राइलिक। क्या नाम है, एक्राइलिक है।
अभी बताया गया आपको कि किस प्रोसेस से जो वूल है वो वूल के कंपैरिजन में हम जो एक्राइलिक का यूज़ क्यों करते हैं और कैसे इसको इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है जो कलर वगैरह प्रोवाइड करना है वो कैसा है इसके लिए आसान है। तो देखिए द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। जो वूल हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं जो एनिमल से मिलती हैं वो ज़्यादातर क्या होती है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगी ज़्यादा होती है वो। वेयर इज क्लोथ मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप। और जो कपड़े हम एक्राइलिक से बनाते हैं जो वूलन क्लोथ्स वो कैसे होते हैं सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन द वैरायटी ऑफ कलर और वो हमारे पास बहुत सारे कलर्स की वैरायटी के अंदर अवेलेबल हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। अब देखिए आपको पता ही होगा जैसे कॉटन के कपड़े हम यूज़ करते हैं लेकिन वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, डलनेस जल्दी आ जाती है उनको, उनको मेंटेन रखना, उनको प्रेस करना, हर बार आपको डालने से पहले क्या करना पड़ता है उनको प्रेस करना पड़ता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स में ऐसा कुछ नहीं है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक भी चलते हैं, सस्ते भी होते हैं और हर कोई उसको यूज़ भी कर सकता है ईजिली। तो ये बोला गया यहाँ पे कि जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में आज के टाइम पे ज़्यादा उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। आपकी 6th क्लास के अंदर है ये सॉरी 7th क्लास के अंदर आपने ये एक्टिविटी की होगी, एक्टिविटी 3.6 है आपकी। तो इसके अंदर आपने क्या चेक किया होगा, अगर हम सिंथेटिक फाइबर को जलाएं और नेचुरल फाइबर को जलाएं तो जो सिंथेटिक फाइबर है वो जलते टाइम पे क्या हो जाते हैं मेल्ट हो जाते हैं, मतलब वो पिघल जाते हैं और पिघलने की वजह से क्या होता है वो हमारी जो स्किन है उसके साथ स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इनसे जो जलना है हमारा और जो नेचुरल फाइबर के जो हमने कपड़े डाल रखे हैं उनसे अगर हम जले तो ज़्यादा डेंजरस हमारे लिए कौन सा होगा, सिंथेटिक फाइबर अगर हमने डाल रखे हैं और उस टाइम पे अगर हमें आग लग जाए किसी भी तरीके से तो वो हमारे लिए ज़्यादा डिजास्ट्रस होता है, ज़्यादा हार्मफुल होगा हमारे लिए। तो इसके अंदर आपको यही बताया गया है कि कैसे आप कंपेयर करेंगे सिंथेटिक फाइबर और जो नेचुरल फाइबर है उसकी बर्निंग को। तो चेक कीजिए, व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को अगर बर्न किया जाए तो उसका जो बिहेवियर है वो नेचुरल फाइबर से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। यू हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। अगर सिंथेटिक फाइबर्स को हीट किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है हमारे सिंथेटिक फाइबर्स की। वैसे तो हमें पता है सस्ते हैं, अफोर्डेबल हैं, यूज़ ईजिली कर सकते हैं, धोने का ज़्यादा इसमें सिस्टम नहीं है, आसानी से धुल जाएंगे, सूख भी आसानी से जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है इनके अंदर, इनके अंदर है सबसे बड़ी इनकी जो डिसएडवांटेज है वो है ये क्या होते हैं, मेल्ट हो जाएंगे हीट करने के बाद। और इफ द क्लोथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर। और अगर हमारे कपड़ों में आग पकड़ ली है तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। और जिस पर्सन ने इनको वियर कर रखा है आर्टिफिशियल फाइबर को, अगर उसके अंदर किसी भी तरह से अगर आग लगती है कपड़ों के अंदर तो वो उसकी बॉडी के साथ क्या हो जाएंगे, मेल्ट होके स्टिक हो जाएंगे। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लैबोरेटरी। आपको पता है किचन के अंदर आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमें खाना कुक करना पड़ता है वहाँ पे, और लैबोरेटरी के अंदर भी क्योंकि हमें बहुत सारे केमिकल्स को क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेक करना पड़ता है। तो हमें इस तरह की सिचुएशन में लैब्स के अंदर या फिर किचन्स के अंदर हमें अवॉइड करना चाहिए सिंथेटिक कपड़े यूज़ करने से। हमें वहाँ पे कौन से कपड़े डालने चाहिए, हमें वहाँ पे वी मस्ट यूज़ नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट देखिए उसके बाद, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वियर पॉलिस्टर क्लॉथ व्हाइल वर्किंग इन द किचन। तो जो पहेली है अब उसको समझ में आया ये पढ़ने के बाद कि उनकी जो मदर है वो कभी भी किचन के अंदर पॉलिस्टर के जो कपड़े हैं वो या कोई भी जो आपके आर्टिफिशियल फाइबर्स है वो किचन के टाइम पे वो उनको वियर नहीं करती है क्योंकि आपको पता है वहाँ पे आग लगने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, जितने भी हमारे जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको बनाने के लिए कुछ एक हमें पेट्रोलियम्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, उन पेट्रोलियम्स के जो प्रोडक्ट्स हम जो यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। मीन्स यू कैन से पेट्रोकेमिकल्स आर यूज टू सिंथेसाइज्ड सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोकेमिकल्स की। और पेट्रोकेमिकल्स हैं क्या, जब हम पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग करते हैं तो उस टाइम पे जो कुछ एक केमिकल्स हमारे पास बचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रो
पेट्रोकेमिकल्स, बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है पेट्रोकेमिकल्स का, तो सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर्स हम यूज़ करते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या करेक्टरिस्टिक है। इमेजिन डैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड व्हाई। देखो आपको पता है जिस दिन बारिश हुई है तो उस टाइम पे आप जो अम्ब्रेला यूज़ करते हो उसका जो कपड़ा है, जो फैब्रिक है, वो कैसा होता है, सिंथेटिक होता है या नेचुरल होता है, वो होता है हमारा सिंथेटिक। तो बताएंगे उसके बारे में भी, सिंथेटिक क्यों है, क्योंकि वो जल्दी से ड्राई हो जाता है ना, तो वो ज़्यादातर पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, कम पानी एब्जॉर्ब करेंगे और ड्राई भी क्या हो जाएंगे, जल्दी से हो जाएंगे। तो इसलिए जो अम्ब्रेला वगैरह है या बहुत सारे आइटम्स हैं हमारे, ऐसे कपड़े हैं जिनको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स का। नेक्स्ट देखिए, इमेजिन डेट इज़ अ रेनी डे, बता चुकी मैं आपको। सिंथेटिक फाइबर पोजेस यूनिक करेक्टरिस्टिक विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। हम बहुत सारे ड्रेस मटेरियल्स को बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स का। अब बताया गया है ऐसा क्यों यूज़ करते हैं उनका, दे ड्राई अप क्विकली, वो जल्दी से सूख जाते हैं, ड्यूरेबल, लंबे लाइफ पीरियड है उनकी, लंबे टाइम तक वो फटते नहीं हैं, लेस एक्सपेंसिव, महंगे कम है, रेडली अवेलेबल, हर जगह मार्केट के अंदर हमें वो मिल जाएंगे, एंड ईजी टू मेंटेन, मतलब उनको मेंटेन करना, उनको साफ रखना या प्रेस वगैरह की उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ। आपको क्या करना है, एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और चेक करना है कि आपने क्या उस एक्टिविटी से आपने सीखा है। तो देखिए एक्टिविटी, एक्टिविटी के अंदर मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। इस एक्टिविटी में आपको दो कपड़े लेने हैं, सेम साइज़ के लेने हैं, और उनको किसी एक पर्टिकुलर शेप के अंदर आपको काट लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको दो कंटेनर्स के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेना है। फिर जो कपड़े आपने काटे हैं उन कपड़ों को आपको किसके अंदर डिप करना है, जो भी आपने वाटर लिया है उसके अंदर डिप करना है। तो आप एक वहाँ पे लेंगे नेचुरल फाइबर और एक वहाँ पे लेंगे सिंथेटिक फाइबर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं। और जो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा तो उसको सूखने में भी क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो कम पानी एब्जॉर्ब करेगा तो उसको सूखने में भी क्या होगा, कम टाइम लगेगा। तो इस एक्टिविटी से आपको यही बताया गया है कि जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और लेट से सूखते हैं, और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो कम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी से क्या हो जाएंगे, वो सूख भी जाएंगे। तो देखिए इन्होंने कंक्लूजन यही बोला है, डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर। आपको पता ही है सिंथेटिक फाइबर क्या करते हैं, कितना पानी सोखते हैं, लेस वाटर, क्या करते हैं वो, लेस वाटर सोक करेंगे, किसके कंपैरिजन में, नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में। अगर पानी कम सोक करेंगे तो उनको ड्राई होने में भी क्या लगेगा, लेस टाइम, दे टेक लेस टाइम टू ड्राई, उनको ड्राई होने में भी क्या लगेगा, सूखने में भी क्या लगेगा, कम समय लगेगा। तो एक और करेक्टरिस्टिक पता चल गया हमें यहाँ से कि आप बता सकते हो कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, एंड दे एब्जॉर्ब लेस वाटर। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट, मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स। आपको अपने पेरेंट के साथ डिस्कशन करना है यहाँ से कि जो आपकी नेचुरल फाइबर है और जो सिंथेटिक फाइबर है उसमें से ज़्यादा ईजिली मेंटेन या फिर कॉस्ट की बात की जाए तो किसको आसानी से मेंटेन किया जा सकता है और कौन सस्ते होते हैं, सिंथेटिक फाइबर या फिर नेचुरल फाइबर। और आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हो कि सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में से आपको ज़्यादा अच्छे कौन लगे, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी और कॉस्ट के बेसिस पर। डिसएडवांटेज भी पता है आपको, मेल्टिंग वाला है इसका डिसएडवांटेज, लेकिन हमें सारे फैक्टर्स को काउंट करना पड़ता है। एक हम मेल्टिंग के बेस पे जल्दी से आग पकड़ लेंगे या फिर हमारी स्किन के साथ स्टिक हो जाएंगे, उसके बेस पे ही हम इसको गुड और बैड में डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, प्लास्टिक। प्लास्टिक हम डिस्टिक, आपको पता ही है, सभी को फैमिलियर हो आप प्लास्टिक के साथ। हमारे जो डेली यूज़ के आर्टिकल्स है ज़्यादातर वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, जैसे बकेट हो गया आपका, मग हो गया, तो बहुत सारे हमारे प्लास्टिक के आइटम्स यूज़ करते हैं। तो जो प्लास्टिक की हमारी जो शेप है उसके अंदर क्या किया जाता है, अलग अलग तरह की शेप होती है। तो फर्स्ट चेक कीजिए आप यहाँ पे जो हमारी अरेंजमेंट है जो प्लास्टिक के मोनोमर्स की, यहाँ पे कैसी अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट, मतलब ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, तीसरा और चौथा, ये मोनोमर एक दूसरे के साथ कैसे लिंकेज में है, कैसे बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, लीनियर अरेंजमेंट की।
दूसरा आप चेक कीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ क्रॉस बना रखा है यहाँ पे। तो ये सारे क्या हमारे मोनोमर्स हैं, और ये किस तरह की लिंकेज में एक दूसरे के साथ अरेंज है, यहाँ पे हमारी क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। मतलब जो प्लास्टिक है उसके अंदर अरेंजमेंट अलग अलग तरह की हो सकती है, लीनियर अरेंजमेंट भी हो सकती है, और दूसरी कौन सी हमारी क्रॉस्ड लिंकेज। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, ये आपको आइटम्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि हमारी चेयर है, बकेट है, या ग्लास है, या फिर जो हमारे टॉयज़ हैं, इन सभी को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक क्या है, एक पॉलीमर ही है, क्योंकि हमने इस चैप्टर में क्या किया, सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक को इकट्ठे पढ़ा है। तो इकट्ठे क्यों पढ़ा है, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, वो रिलेटेड है। आपके प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है और सिंथेटिक फाइबर्स भी क्या है, एक तरह के पॉलीमर्स ही हैं। ऑल प्लास्टिक डोंट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। बता चुके हैं आपको कि इनके अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो एक जैसी नहीं होती। कुछ एक आपके लीनियर अरेंजमेंट के अंदर अरेंज रहते हैं और कुछ एक आपके क्रॉस लिंक्ड फॉर्म के अंदर। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज एज यू कैन सी इन द डायग्राम। आपके पास जो प्लास्टिक है वो छोटे से छोटे आइटम्स भी आपके पास प्लास्टिक के, और बड़े से बड़े आइटम्स भी है। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज पॉसिबल। ये देखो आप, छोटा आइटम भी है हमारे पास, जैसे कि हम ब्रश वगैरह करते हैं, या फिर आप कोई भी छोटे टॉयज लगा लीजिए, प्लास्टिक के बहुत सारे टॉयज हैं। हम बड़े से बड़े आर्टिकल और छोटे से छोटे आर्टिकल्स भी प्लास्टिक के अपने चारों तरफ देखते हैं। तो कोई ना कोई तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी कि जिसकी वजह से हम प्लास्टिक के छोटे आर्टिकल्स भी बना सकते हैं और बड़े आर्टिकल्स भी बना सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजिली माउंटेबल। माउंटेबल का मतलब क्या है, इसको क्या किया जा सकता है, इसको पिघला के किसी दूसरी शेप के अंदर चेंज किया जा सकता है, इसको कोई भी डिजायर शेप क्या की जा सकती है, दी जा सकती है। तो यही बोला गया है, माउंटेबल का मतलब क्या है, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, इसको किसी भी फॉर्म के अंदर चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक की और क्या करेक्टरिस्टिक है, इसको रिसाइकिल कर सकते हैं हम, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर मेल्ट करके इसको दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज किया जा सकता है। रीयूज़ कर सकते हैं हम, बार बार यूज़ किया जा सकता है प्लास्टिक को। कलर फॉर्म चेक कर सकते हैं, देखो आपने देखा हो जैसे हमारे पास जो टॉयज आते हैं वो क्या है, अलग अलग कलर्स के अंदर अवेलेबल है प्लास्टिक के, या फिर जो चेयर यूज़ करते हैं हम घर पे, या जो हम बॉक्सेस वो टिफ़िन वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, तो उनके कलर क्या है, हमारे पास अलग अलग कलर हैं। तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, कलरिंग प्रॉपर्टी आपकी प्लास्टिक की। रोल्ड इनटू शीट्स, इसको क्या किया जा सकता है, शीट्स के अंदर मोड़ा जा सकता है, रोल किया जा सकता है, इसको लपेटा जा सकता है शीट्स के अंदर। और मेड इनटू वायर्स, इसकी क्या बनाई जा सकती हैं, वायर्स भी बनाई जा सकती हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, दैट्स वाई इट्स फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। तो इसकी वजह से इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, रिसाइकिल, रीयूज, कलरिंग, रोलिंग, मेल्टिंग, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग जो डेली की जो हमारे आइटम्स हैं वो बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। ये देख पा रहे हो गए आप आइटम्स। अब उसके बाद है पॉलीथीन। पॉलीथीन आप यूज ही करते हो। पॉलीथीन के अंदर क्या होता है, पॉली प्लस इथीन, मतलब एक पॉलीमर है आपका जो आप प्लास्टिक यूज करते हो घर पे। पॉलीथीन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक, और इसके अंदर मोनोमर क्या है, इथीन है। ये क्या किस चीज़ का बना हुआ है, किस मोनोमर का बना हुआ है, इथीन मोनोमर का बना हुआ है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, पॉलीथीन जो बैग्स हम डेली जो मार्केट से जो सामान लेके आते हैं, जो आप पॉलीथीन देखते हो, जो पॉलीथीन बैग्स आप यूज़ करते हो, वो किसके बने होते हैं, पॉलीथीन से बने होते हैं वो। Now try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastic articles to be bent easily? अब देखिए आपके घर पे जो भी प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं, आप उसको बेंड करने के लिए ट्राई करेंगे, क्या सारे के सारे जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं वो क्या सारे के सारे बेंड हो जाएंगे, या कुछ एक बेंड होंगे आपके? तो आप चेक करेंगे, यू विल ऑब्जर्व डैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड ईजिली एंड वाइल सम ब्रेक वैन फोर्स टू बेंड। कई सारे आर्टिकल्स तो क्या हो गया, आपके आराम से बैंड हो जाएंगे, जैसे आप पन्नी वगैरह यूज़ करते हो पॉलीथीन की, जो आप पॉली बैग्स यूज़ करते हो वो आराम से बैंड हो जाते हैं। लेकिन जो आपके घर पे जैसे कि आपकी प्लास्टिक की जो कुर्सी वगैरह है, अगर आप उसको बैंड करोगे तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी वो। तो इसमें बताएंगे कि कहाँ पे कौन सी प्लास्टिक यूज़ की गई है। वैन वी एड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल इट गेट डिफॉर्म्ड। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे आपको प्लास्टिक की बोतल लेनी है और उसके अंदर आपको गर्म पानी डालना है, तो जो प्लास्टिक की बोतल के अंदर आपने गर्म पानी डाला है तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जो पहले शेप थी उससे वो क्या आ जाएगी, चेंज आ जाएगी। सच प्लास्टिक विच कैन डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग
एंड कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज थर्मो प्लास्टिक। अब देखो आपको दो तरह की प्लास्टिक के नाम नजर आएंगे यहाँ पे, एक तो है आपका थर्मो प्लास्टिक और दूसरा आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। थर्मो प्लास्टिक आपकी वो प्लास्टिक होती है जिसको हम आराम से बेंड कर सकते हैं, जिसको अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद उसको मनचाही शेप आप उसको प्रोवाइड करवा सकते हो। तो उस प्लास्टिक को जो आराम से बेंड की जाए, जिसको हम इजिली हीट करके डिफॉर्म कर दे, उस प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मो प्लास्टिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये थर्मो प्लास्टिक। एग्जाम्पल देखिए थर्मो प्लास्टिक के क्या क्या है यहाँ पे, एक तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे पॉलीथीन और पॉली पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म आपकी पॉली विनाइल क्लोराइड। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लास्टिक, थर्मो प्लास्टिक। कहाँ पे यूज़ किया जाता है थर्मो प्लास्टिक का, तो ज़्यादातर हम जो अपने घर पे कंटेनर्स देखते हैं किचन आइटम्स के अंदर, वो सारे जो कंटेनर्स हैं हमारे वो किस चीज़ के बने होते हैं, हमारे थर्मो प्लास्टिक के। इसके अलावा जो टॉयज़ हैं, जो कॉम्स हैं, वो सारे किस चीज़ के बने होते हैं, थर्मो प्लास्टिक के। मतलब जो प्लास्टिक आपकी रिसाइकिल हो सकती है, जो प्लास्टिक आपकी इजिली बैंड हो सकती है, उस प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मो प्लास्टिक। उसके बाद दूसरा आपका क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसकी बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी रखती है, ना तो उसको हम बैंड कर सकते ना उसको हीट करके किसी दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज किया जा सकता है। एक बार जो फॉर्म उन्होंने ले ली है वो फॉर्म ही उसकी रहेगी। तो चेक कीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच वेन माउल्डेड वंस कान नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। इनको हम हीट करने के बाद सॉफ्ट नहीं कर सकते, एक बार जिस फॉर्म में आपने इनको दे दिया है वही फॉर्म इनकी परमानेंट रहेगी। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड था तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए बेकेलाइट है और मेलामाइन है। ये किसके एग्जाम्पल हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, बेकेलाइट और मेलामाइन। अब देखिए उसके बाद जो बेकेलाइट है कहाँ पे यूज़ किया जाता है और मेलामाइन कहाँ पे यूज़ किया जाता है। बेकेलाइट एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट क्या है, एक तरह की प्लास्टिक ही है ये, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये। और इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है, ना तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती और ना ही इसके अंदर से हीट पास होती है। मतलब आप इसको गर्म करोगे तो गर्म भी नहीं होगा ये, और अगर आप इसके अंदर से बिजली पास करना चाहोगे तो बिजली भी इसके अंदर से पास नहीं होती। अब देखो बिजली पास नहीं हो रही है, हीट पास नहीं हो रही है, तो इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, इसका यूज़ हम करेंगे जो आपने देखा होगा ना, यहाँ पर चेक कीजिए जो स्विचेस वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए, या फिर आपके जो भी आपके जो परमानेंट आर्टिकल्स होते हैं उसको बनाने के लिए, जो कुकर वगैरह के हैंडल होते हैं, फ्राई पैन के जो हैंडल हैं उनको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। जो भी आपको आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ये सब क्या है आपके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। देखिए ये कुकर का हैंडल नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, स्विच नज़र आ रहा है, ये सारा क्या है आपका, जो आपकी प्लेट नज़र आ रही है आपको, ये सब किससे बना हुआ है आपकी, ये नॉन ब्रेकेबल है ये, तो ये किस चीज़ की बनी हुई है आपकी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। उसके बाद देखिए क्या है इसके यूज़, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। नेक्स्ट है आपका बेकेलाइट के बाद दूसरा आपका कौन सा है एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, मेलामाइन। मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल। वर्सेटाइल का मतलब क्या है, हम ज़्यादातर जगह पे मेलामाइन प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, देखो वैसे तो आपको पता है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनके अंदर क्या हो जाती है, आग आसानी से पकड़ लेते हैं, जल्दी आग कैच कर लेंगे ये। लेकिन जो आपका मेलामाइन प्लास्टिक है इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है कि ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता है, ये हीट रेजिस्टेंस होता है। और इसको यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, फायर प्रूफ जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी हमारे फायरमैन्स होते हैं उनकी जो ड्रेस होती है उसके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग की जाती है, मेलामाइन प्लास्टिक की। और जिसकी वजह से वो आराम से क्या कर सकते हैं, आग वगैरह बुझा सकते हैं। और यूज़ देखिए मेलामाइन का कहाँ करते हैं हम, जो टाइल्स फ्लोर टाइल्स है वो बनाने के लिए, किचन वेयर्स बनाने के लिए, और ऐसे फैब्रिक बनाने के लिए जिसको हमें क्या करना है, आग लगने से बचाना है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल थे आपके, मेलामाइन का किया हमने यूज़, बेकेलाइट का यूज़ बता दिया यहाँ पे कहाँ करते हैं, और ये सब किसके टाइप हैं, हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के टाइप हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे आप देखिए जो आपके घर पे जो हम कंटेनर यूज़ करते हैं किचन के अंदर, और जो तार हैं आपको ये जो नज़र आ रही हैं ये किस चीज़ की बनी हुई है आपकी, थर्मो प्लास्टिक की। और जो ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं किस चीज़ से बने हुए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। नेक्स्ट चेक कीजिए,
प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। हम प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं? हर जगह पे आसपास पे हमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक देखने को मिलती है। ऐसा क्या खासियत है प्लास्टिक की जिसकी वजह से इसको हमने अपनी जो डेली लाइफ में उसको इतना इसको एंटर कर लिया है? तो सबसे पहले देखिए, टुडे वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। एक तो इसके अंदर स्टोर करना क्या है, आसान है, और दूसरा क्या है, ये इसके अंदर जो हमने अपना खाना स्टोर किया है, जो भी अपने पिकल स्टोर किए हैं, मिल्क स्टोर किया है, वाटर स्टोर किया है, उसके साथ ये खाने के साथ रिएक्शन नहीं करते। मतलब खाने से रिएक्शन करेंगे तो कुछ और ही बन जाएगा ना, कोई पॉइजन बन जाएगा। तो प्लास्टिक क्या करती है, जिसके अंदर भी जो भी आइटम हमने रखा है प्लास्टिक के अंदर, उसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो हमारे फूड मटेरियल्स, जो हमारा फूड आइटम्स है वो ख़राब नहीं होंगे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ, ईजी हैंडलिंग। इसको क्या है, वेट कम होता है प्लास्टिक का, आसानी से इसको हम खरीद सकते हैं, प्राइस क्या है इसका कम है। गुड स्ट्रेंथ, गुड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, अच्छी तरह से ये क्या है, मजबूत है, टिकाऊ है, एंड ईजी हैंडलिंग, इसको हैंडल करना क्या है, आराम से इसको हम हैंडल कर सकते हैं, ले जाना लाना इसको क्या है, आसान है। Being light as compared to metals, और ये क्या है, इसका वजन कम होता है किसके comparison में, metals के comparison में। Plastic are used in car, aircrafts and spacecraft too, जो aeroplanes वगैरह हैं हमारे, जो spacecraft हैं, जो space के अंदर जो भी हमारे rockets वगैरह launch किए जाते हैं, उसको भी बनाने के लिए किस चीज़ का use किया जाता है, plastic का, क्योंकि उनका weight क्या है, plastic का कम है। The list is endless if we start counting articles. अगर हम इसके articles का नाम लिखना शुरू कर दें, जो जो plastic से बने होते हैं, तो हमारे पास countless articles हैं जिसको बनाने के लिए, जो किस चीज़ से बने होते हैं, plastic से बने होते हैं। जैसे हमारे slipper हो गए, चप्पल जो हम use करते हैं, furniture हो गया हमारे घर का, जो decoration का जो सामान है, हर एक चीज़ में आपको कहीं ना कहीं आपको plastic नज़र ज़रूर आएगी। तो ये सब किसकी वजह से है, हमारी plastic की properties की वजह से है। Price कम है, स्ट्रेंथ अच्छी है, वेट कम है, हैंडल करना आसान है, किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं ये। तो अब हम एक क्या करेंगे, जो प्लास्टिक के करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट देखिए, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव जैसे मैं बता चुकी हूँ आपको, जो प्लास्टिक है ना तो वाटर से रिएक्शन करती है, ना एयर से रिएक्शन करती है, और ना ये हमारे खाने के साथ रिएक्शन करती है। इवन जो आपके जो केमिकल्स होते हैं लैब के अंदर, उनको स्टोर करने के लिए भी हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स का ही यूज़ किया जाता है उनको स्टोर करने के लिए। अगर हम मेटल कंटेनर्स यूज़ करें तो मेटल्स के अंदर क्या होती है, रिएक्शन जल्दी से होती है, मेटल हवा से रिएक्शन कर जाएंगी, पानी से रिएक्शन कर जाएंगी, जिसकी जैसे हम अपने जो भी आइटम्स हैं उनको स्टोर करने के लिए किसको ज़्यादा फेवर मानते हैं, प्लास्टिक के अंदर ज़्यादा फेवर लेते हैं। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जैसे कि आपको पता है कि जो भी, मान लें एक तो आपके पास बकेट है प्लास्टिक की है, और एक आपके पास बकेट है आयरन की है या किसी दूसरी मेटल की है, तो दोनों को उठाना, वेट में क्या है, डिफरेंस है। तो ज़्यादातर क्या है, आपकी जो प्लास्टिक है वो लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग मतलब लंबे टाइम तक चलती है, और उसको हैंडल करना क्या है, आसान है। और इसके अलावा जो प्लास्टिक है उसको अलग अलग शेप देना, अलग अलग साइज़ देना, वो भी क्या है, आसान है। और मेटल्स के कंपैरिजन में अगर आपको प्लास्टिक को ख़रीदना है तो प्लास्टिक को ख़रीदना क्या है, आसान है, सस्ती होती है प्लास्टिक। तो जितने भी हमारे इंडस्ट्री के जो आर्टिकल्स हैं या फिर जो हम घर पे आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, ज़्यादातर उसको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, जो जो हमारे अलग अलग आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक क्या करती हैं, ना तो जल्दी से हीट को कंडक्ट करती हैं, ना ही ये जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी प्लास्टिक है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, प्लास्टिक जैसे मान लिया हमारे जो वायर है, कॉपर वायर है, उसके ऊपर जो कवरिंग की जाती है वो हमारी किसकी होती है, रबड़ की होती है या प्लास्टिक की होती है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। या फिर जो आपके पेचकस यूज़ करते हो, स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है जिसको, वो के उसके जो हैंडल्स होते हैं वो भी किस चीज़ के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। इसके अलावा आपका जो फ्राइंग पैन है जिसमें हम खाना फ्राई करते हैं, उसके जो पैन के अंदर जो कोटिंग होती है जो ब्लैक ब्लैक कलर की, वो टेफ्लोन की बनी होती है, और टेफ्लोन भी क्या है आपका, एक तरह से आपका प्लास्टिक ही है। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो,
क्या है आपका, प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। जो हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, जो मेडिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। एक तो पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, जो टैबलेट्स हमारी पैक होती हैं वो किसके अंदर पैक होती हैं, प्लास्टिक के अंदर। थ्रेड यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, जो आपने देखा हो ना चोट वगैरह लगने पे डॉक्टर क्या करते हैं, स्टिचेस लगाते हैं, तो जो स्टिचेस के लिए जो हमारे थ्रेड होते हैं वो भी किस चीज़ के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। जो सिरिंज हम यूज़ करते हैं, डॉक्टर जो अपने ग्लव्स यूज़ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किस चीज़ के बने होते हैं आपके, प्लास्टिक। जैसे ग्लूकोज की बोतल देखी होंगी आपने, ज़्यादातर जो हमारी जिसके अंदर दवाइयाँ पैक रहती हैं, हमारी जो बोतल्स होती हैं वो किस चीज़ से बनी होती हैं, हमारे प्लास्टिक से बनी होती हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। आपको पता ही होगा कि जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं उनको, अगर उनके अंदर हमें खाना पकाना है तो हम किसी भी कंटेनर में ऐसे डाल के नहीं रख सकते, उनके एक स्पेशल जो कंटेनर्स होते हैं उन्हीं के अंदर हम खाना पका सकते हैं माइक्रोवेव ओवन के अंदर रख के। तो ऐसे किस चीज़ से बने होते हैं उनके जो कंटेनर, माइक्रोवेव ओवन के जो कंटेनर्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, क्योंकि ये प्लास्टिक कैसी होती है जो हीट से मेल्ट नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए टेफ्लोन, बात कर चुके हैं, एक स्पेशल प्लास्टिक है हमारी ये, ना तो इसके साथ ऑयल स्टिक करता है ना इसके साथ वाटर स्टिक करता है, तो इसलिए इसका यूज़ किया करने के लिए बनाया जाता है नॉन स्टिक कुक वेयर्स या नॉन स्टिक फ्राई पैन। किस चीज़ की कोटिंग होती है, टेफ्लोन की। उसके बाद नेक्स्ट चेक कीजिए फायर प्रूफ प्लास्टिक, जैसे कि हम बात कर चुके हैं मेलामाइन। मेलामाइन एक ऐसी प्लास्टिक है जिसके ऊपर हमारी हीट का या फिर जो भी मतलब किसी भी तरह की कोई भी हीट या आग लग जाए इसका कोई अफेक्ट नहीं होगा, ये जल्दी से आग कैच नहीं करती। तो किससे रेजिस्टेंस है, ये फ्लेम से रेजिस्टेंस है। तो जो भी हमारे जो आग बुझाने वाले अग्निशामक होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, वो इन्हीं कपड़ों का यूज़ करते हैं जो मेलामाइन से कोटेड होते हैं, जिसकी वजह से वो आग लगने से बच पाते हैं। प्लास्टिक इन द एनवायरनमेंट, जो प्लास्टिक है और हमारे एनवायरनमेंट का क्या उसका नुकसान है, क्या हमारे एनवायरनमेंट को इससे नुकसान हो रहा है, ये बताना आपको। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजली गेट थिंग्स रैप्ड इन द प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। ज़्यादातर आप देखते ही हो गए, आप मार्केट में जाते हो, सब्जी वाले के पास जाते हो, तो जो भी आपको फूड आइटम्स वो पैक करके देते हैं या फिर बिस्किट वगैरह है, हर एक चीज़ आपको नजर आएगी पॉलीथीन बैग्स के अंदर वो पैक होती है। तो इस तरह से क्या होता है, डे बाय डे बहुत सारे प्लास्टिक हमारे अंदर एज अ वेस्ट इकट्ठी होती रहती है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, पहले इकट्ठा करेंगे बाद में उसको हम गार्बेज के अंदर डाल देंगे, कूड़े के अंदर डाल देंगे। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के टाइम पे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वो है डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक। प्लास्टिक को कैसे डिस्पोज किया जाए, कैसे उसको ख़त्म किया जाए, कैसे नष्ट किया जाए उसको। अब देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जैसे कि आप जानते ही होंगे प्लास्टिक इज़ आ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अब बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जैसे कि हमारे खाने का वेस्ट है या सब्जियों के छिलके हैं, उसको क्या करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको गला सड़ा देते हैं, और जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैन्योर रेडी हो जाता है उनसे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो ऐसे सब्सटेंस हमारे डिग्रेड हो जाते हैं उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायो का मतलब क्या है, लाइफ। लाइफ मतलब कौन सी लाइफ, बैक्टीरिया या फिर फंगस। किसको डिग्रेड कर देते हैं, हमारे जो भी ऑर्गेनिक फूड वेस्ट मटेरियल्स हैं। ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस से अपने आप नेचर के अंदर चलता रहता है ये डिकम्पोजिशन, हमारे बैक्टीरिया गलाते सड़ाते रहते हैं इन चीज़ों को। इस किसकी वजह से गलते सड़ते हैं, वो बैक्टीरिया की वजह से और फंगस की वजह से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। अ मटेरियल विच इज़ नॉट इजली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज़ कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जैसे कि आपका कि मेटल्स हो गई, ग्लास हो गया, अगर उसको आपने डाल दिया है एज अ वेस्ट, तो वो आप अगर उसको वहाँ से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद अगर आप चेक करते हो तो वो वेस्ट आपको ऐसे के ऐसे ही नज़र आएगा। तो जो आपके मटेरियल्स जो डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस से, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखिए नेक्स्ट आपका टेबल के अंदर क्या दिया गया है, आपको वेस्ट बताया गया है और आपको ये बताया गया है कि उस वेस्ट को डिग्रेड होने में, डिजेनरेट होने में कितना टाइम लगता है, और उसके बेस पे आपको बताना है कि वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। फर्स्ट है आपका
पील्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, मतलब जो भी आपका बचा हुआ खाना है, जो वेजिटेबल्स हैं उनके छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, आपने उसको चेक कर सकते हो। अगर आप उसको दबा देते हो गड्ढा खोद के, तो एक या दो वीक के अंदर वो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो कैसे मटेरियल हैं वो आपके बायोडिग्रेडेबल। पेपर जो आप राइटिंग करते हो पेपर के ऊपर, वो आपका 10 से लेकर 30 दिनों के अंदर डिग्रेड हो जाता है, तो वो भी कैसा आपका मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लोथ, एज यू नो कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर, तो वो भी कितने टाइम में डिग्रेड हो जाता है, 2 से लेकर 5 महीनों में। कैसा मटेरियल है, वो भी बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट उसके बाद वुड, लकड़ी भी आपकी धीरे धीरे डिग्रेड होती रहती है, टाइम लंबा लगता है लेकिन डिग्रेड हो जाती है। तो उसको डिग्रेड होने के लिए कितना टाइम लगता है, लगभग 10 से लेकर 15 साल। तो कैसा आइटम है वो आपका, बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट उसके बाद वूलन क्लोथ, वूल भी क्या आपका नेचुरल फाइबर है, उसको डिग्रेड होने में लगभग आपका 1 साल का टाइम लगता है, और कैसा मटेरियल है वो आपका, बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट आ गई हमारी मेटल्स। मेटल्स में देखिए टिन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल कैंस है, इनको डिग्रेड होने में लगभग लग जाता है 100 से लेकर 500 साल का समय। तो कैसा मटेरियल हो गया आपका, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। अगर आपने उसको गड्ढे के अंदर डाल भी दिया है तो 100 सालों तक क्या पता हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो उसको हम कैसे चेक करें बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है। तो वो आपका कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक बैग किया ही हमने इस चैप्टर में, प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसको तो लंबे सेवरल ईयर्स का टाइम लगेगा और डिग्रेड तभी भी नहीं होगा आपका ये, ठीक है। तो ये क्या आपका, नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद है, सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होती है। इट कोज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा एनवायरनमेंट का। अगर इसको हम जला देंगे तो क्या होगा, जलाने से भी हमारी जो बहुत सारी ऐसी गैसेस निकलती हैं प्लास्टिक बर्न होने के बाद, तो जो क्या करेगी, हमारे एयर का पोल्यूशन करेगी, और ये कभी भी कम्प्लीटली बर्न नहीं होगा क्योंकि ये सिंथेटिक मटेरियल है। इसके बाद है आपका एयर पोल्यूशन, बता चुके हम। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, तो कैसे सोल्व कर सकते हो आप एज ए इंडिविजुअल, अपने आप से क्या आप अपने एनवायरमेंट के लिए क्या काम कर सकते हो। Have you ever seen a garbage dump where animals are eating garbage? In the process of eating the food waste, they swallow materials like polythene bags, wrappers of the food. आपने देखा ही होगा आपके आसपास में, जहाँ पे भी खाली आपकी जगह है वहाँ पे आप क्या करते हो, garbage डाल देते हो, dumping कर देते हो garbage की, और जो हमारे animals हैं, जो cows हैं, जो घूमते हुए animals आपको जो नज़र आते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ पे, उनको जो food items आप डालते हो बचा हुआ उसको खाते हैं वो। लेकिन उसको खाने के साथ साथ में वो किस चीज़ को भी खा जाते हैं, जो पोलिथीन के बैग्स हो गए, जो फूड के रैपर्स हो गए। जैसे मान लिया आपने बिस्किट खोला, बिस्किट खोल के आपने रैपर को डाल दिया एज अ वेस्ट, तो वो क्या करेंगे, उनको तो नहीं पता ना कि बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, तो वो भी क्या करेंगे, अपने खाने के साथ खा जाएंगे उसको। तो ये क्या करते हैं, जो प्लास्टिक उनकी बॉडी के अंदर जाती है, वो जो रेस्पिरेटरी, जो उनका सांस लेने का जो सिस्टम है, उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। अगर पेट के अंदर जाएगा तो उनके स्टमक को क्या कर देगी, स्टमक को लाइनिंग कर देगी, मतलब वो एक लेयर बना देगी स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब हो जाएगा, और एट लास्ट क्या हो जाएगा, हमारा एनिमल मर जाएगा। तो क्या है, मतलब हमारे एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है अगर इस तरह से हम प्लास्टिक को फेंकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, हम आपको पता ही है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है वहाँ पे, कि हमें जो भी इस तरह का आइटम है, जो बायोडिग्रेडेबल आइटम है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम है, उसको हमें क्या करना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए, अलग से इकट्ठा करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल को अलग से और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग से। क्योंकि अगर इस तरह का अगर कोई भी आपकी खाली जगह है, तो वहाँ पे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल को नहीं डालेंगे, वहाँ पे हम कौन से आइटम को डालेंगे, बायोडिग्रेडेबल। तो नेक्स्ट चीज चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है, पोली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन टू। और जो बारिश आती है उस टाइम पे क्या होता है, जो भी आप रैपर वगैरह डाल देते हो, वो सारा क्या कर देगा, हमारे वाटर ड्रेनेज को खराब कर देगा। सम टाइम वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ द चिप्स बिस्किट एंड अदर ईटेबल्स ऑन रोड एंड पार्क और पिकनिक प्लेसेस। कई बार तो हम क्या करते हैं, खाना खाएंगे वहीं पे, चिप्स खाई तो पैकेट को वहीं फेंक दिया, बिस्किट खाया पैकेट को वहीं छोड़ दिया हमने, रोड पे डाल दिया, बस में चलते चलते या कहीं पे भी हम जा रहे हैं तो ऐसे ही फेंक दिया। तो देखो होता क्या है, शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, क्या हमें इसको फेंकने से पहले दो बार पहले सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, सोचना चाहिए आपको बिल्कुल। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वट मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक।
आप बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आप खुद से क्या करेंगे ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्लास्टिक फ्री हो जाए और जो हमारे पब्लिक प्लेस हैं वहाँ पे इस तरह का कोई भी वेस्ट इकट्ठा ना हो। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आप कम से कम यूज़ करना आपको प्लास्टिक का, आपको ज़्यादातर बचना है प्लास्टिक के आइटम्स को लेने से। मेक यूज़ ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गोइंग फॉर शॉपिंग। अगर मान लिया जब भी आप मार्केट जाते हो तो आप अपना खुद का बैग लेके जाइए वहाँ पे, और बैग भी किस चीज़ का लेके जाइए, कॉटन का लेके जाइए और जूट का लेके जाइए। और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आपको क्या करना है, सेपरेट रखना है, अलग अलग से उनको डिस्पोज करना है। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे कि आप और क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हो प्लास्टिक मटेरियल को रिड्यूस करने में। तो सबसे पहले देखिए, इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। अच्छा क्या होगा, जो भी आपका प्लास्टिक का वेस्ट है उसको आप क्या करें, रिसाइकिल करें। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल। आपको पता ही है थर्मोसेटिंग को तो हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, लेकिन थर्मोप्लास्टिक को तो हम रिसाइकिल कर सकते हैं ना। तो ऐसे वेस्ट को हम इकट्ठा करें और उसको क्या कर दें, रिसाइकिल कर दें। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकिलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। हम क्या करते हैं जब रिसाइकिलिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, बहुत सारे कलरिंग एजेंट ऐड करते हैं। दिस लिमिट्स इट्स यूजेज स्पेशली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। तो इस तरह से अगर जो हम कलर ऐड करते हैं रिसाइकिलिंग करते वक्त, तो उस तरह के हमारे जो कंटेनर जो हमने बनाए हैं उनके अंदर हमें फूड स्टोर करने से बचना चाहिए। जैसे कि मान लें आपके पास प्लास्टिक की थैली है, तो उसके अंदर जैसे आप कुछ भी सामान लेके आते हो सकता है कि जो आपने कलर वहाँ पर मिक्स किया है वो आपके फूड आइटम के साथ मिक्स हो जाए। नेक्स्ट आपका, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5 आवर्स प्रिंसिपल। हमें 5 आवर्स प्रिंसिपल को ही ध्यान रखना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमें ऐसी हैबिट डेवलप करनी चाहिए जो कैसी हो, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कम से कम यूज़ करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे। जैसे घर पे मान लिया आप कोई भी जैसे कि प्लास्टिक की बोतल लेके आ गए हो, तो उसको आप पानी कैरी करने के लिए या कोई और लिक्विड ऐड करने के लिए उसको आप यूज़ कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो, आप रिकवर कर सकते हो। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब है अगर आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे तो आप उस चीज़ को, प्लास्टिक कंटेनर को आप परचेज ना कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज और इन द रोड। हमें प्लास्टिक के जो बैग्स हैं उसको हमें पानी में नहीं डालना चाहिए और ना ही रोड पे डालना चाहिए। पता है आपको क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी में जाएंगे तो वाटर को पोल्यूट करेंगे और रोड पे जाएंगे तो हमारे ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे। टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। शॉपिंग जाएंगे तब आप कॉटन का बैग लीजिए या फिर जूट का बैग कैरी कीजिए। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ करने से बचना है आपको। यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। ज़्यादातर आप देखते हो हम स्टील के लंच बॉक्स तो बहुत कम बच्चे यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक के टिफिन यूज़ करते हैं। तो हमें प्लास्टिक के कंपेरिजन में किसको यूज़ करना चाहिए, स्टील लंच बॉक्स को। उसके बाद आप यहाँ से ट्राई करेंगे कीवर्ड्स क्या हैं हमारे, और इस चैप्टर का जो ब्रीफ है क्या क्या हमने इसमें से रीड किया है एक बार पूरा चेक कर लेंगे आप। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। आपको पता है दो तरह के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। तो क्वेश्चन किया है इन्होंने यहाँ से कि जो हमारे कुछ फाइबर्स हैं उनको हम सिंथेटिक क्यों बोलते हैं। एज यू नो Some fibers which are not natural are called synthetic. जो fibers natural नहीं हैं, जो man-made fibers हैं उनको क्या बोला जाता है, synthetic fiber. Because they are made by chemical processing of petrochemicals. हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे synthetic fibers हैं उनको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, petrochemicals का यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपका, सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। एग्जांपल दे रखे हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, रेयन हो गया, नायलोन हो गया, एक्राइलोन हो गया, एक्राइलिक भी बोलते हैं इसको, और उसका है बाद पॉलीएस्टर। ये किसके एग्जाम्पल हैं, सारे सिंथेटिक फाइबर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन गिवन है 3, उसमें से आपको राइट आंसर मार्क करना है। रेयन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। जो रेयन है, जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं उन सब से अलग क्यों हैं। आपको पता ही होगा रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, और इस फाइबर को बनाने के लिए हमें वुड पल्प की ज़रूरत पड़ती है।
वुड पल्प जो कि एक हमारा प्लांट का मटेरियल, प्लांट मटेरियल को यूज़ करेंगे हम, मतलब इसको बनाने के लिए हम केमिकल तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा हमें वुड पल्प का भी यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या आएगा, ये दूसरे फाइबर से अलग क्यों है, बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। बाकी जो सारे फाइबर्स हैं हमारे, जैसे कि पॉलिएस्टर हो गया, रेयन हो गया, उन सब को बनाने के लिए हमें ओनली केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसको बनाने के लिए केमिकल के साथ साथ हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्लांट मटेरियल की, जो कि क्या है, वुड पल्प है। नेक्स्ट है आपका फिलप्स। फिलप्स में देखिए, फर्स्ट आपका सिंथेटिक फाइबर्स आर कॉल्ड डैश और डैश फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स को मैनमेड फाइबर्स भी बोलते हैं और साथ में आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, पता ही आपको सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए हमें किस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, पेट्रो केमिकल्स की। लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक इज ऑल्सो आ पॉलीमर। तभी तो हमने इन दोनों को इकट्ठा किया है चैप्टर के अंदर। चैप्टर का नाम ही क्या था आपका, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, दोनों के दोनों क्या हैं आपके, पॉलीमर। नेक्स्ट, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट डेट नाइलोन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको एग्जांपल देके बताना है कि जो नाइलोन फाइबर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है और कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। यू नो नाइलोन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, डैट्स वाई नाइलोन इज यूज फॉर मेकिंग पैरासूट, रॉक क्लाइंबिंग रोप्स, फिशिंग नेट, सीट बेल्ट्स, इन सबको बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, नाइलोन फाइबर का, पैराशूट बनाने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स होते हैं रॉक क्लाइंबिंग की वो बनाने के लिए, फिशिंग नेट्स जो फिश वगैरह पकड़ते हैं हम उसके लिए जो नेट्स यूज़ करते हैं, जाल यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए, सीट बेल्ट जो हम यूज़ करते हैं गाड़ी वगैरह में बैठते टाइम, वो भी हमारी किस चीज़ की बनी होती है, नाइलोन फाइबर की। नाइलोन थ्रेड इज इलास्टिक, इलास्टिक होता है मतलब ये स्ट्रेचेबल होता है ये, एंड लाइट, लाइट मतलब हल्का होता है, वेट कम होता है इसके अंदर, बट एक्चुअली स्ट्रोंगर देन अ स्टील वायर। वैसे तो ये हल्का है, लाइट है, इलास्टिक है, लेकिन अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये स्टील वायर से भी ज़्यादा क्या है, स्ट्रोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। अपने खाने को स्टोर करने के लिए हम जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं उनको हम फेवर करते हैं, उनका मतलब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर फॉलोइंग रीजन्स। सबसे पहले देखिए, एक तो प्लास्टिक के कंटेनर कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए उनको हैंडल करना क्या है, ईजी है। दूसरा देखिए, जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं उनका जो प्राइस है दूसरे कंटेनर्स के कंपेयर में क्या होता है, वो कम होता है। एक तो मेटल के कंटेनर्स हम परचेज करें और एक प्लास्टिक के कंटेनर परचेज करें, तो किसको परचेज करना कम प्राइस में कर सकते हैं हम, कम प्राइस में परचेज, वो है आपका प्लास्टिक कंटेनर्स। दे हैव गुड स्ट्रेंथ, मजबूत होते हैं आपके प्लास्टिक, प्लास्टिक कंटेनर्स आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या है, ये लंबे टाइम तक चलते हैं, ये लंबे टाइम तक खराब नहीं होते, मतलब जो इनकी लाइफ है वो क्या होती है, लंबी होती है। राइट द डिफरेंस बिटवीन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है। पहले देख लीजिए, ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पे पिघल जाए और उसको किसी दूसरी फॉर्म के अंदर, शेप के अंदर चेंज कर दिया जाए, तो उस प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मो प्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होगी, जिसको हीट करने के बाद वो माउल्ड ना हो, वो सॉफ्ट ना हो, उस प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये तो हो गए दोनों के डेफिनेशन। फिर उसके बाद सेकेंड हम पॉइंट लिखेंगे इनका, जो इनके एग्जाम्पल्स हैं थर्मोसेटिंग के और थर्मोप्लास्टिक के। थर्मोप्लास्टिक के आप देखिए, पॉलीथीन जो हम पॉलीबैग्स यूज करते हैं, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब किसके एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक के। थर्मोसेटिंग के आपके हैं मैकेलाइट, मेलामाइन हो गया और बैकेलाइट हो गया, ये एग्जाम्पल आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। नेक्स्ट, उसके बाद कहाँ यूज़ किया जाता है, थर्मोप्लास्टिक का यूज़ किया जाता है टॉयज़ बनाने के लिए, कॉम्स बनाने के लिए, और बहुत सारे कंटेनर्स जो हम किचन में यूज़ करते हैं उनको बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, थर्मोप्लास्टिक का। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा, जो बेकेलाइट है उसका यूज़ किया जाएगा इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, हैंडल्स बनाने के लिए जैसे कि पतीले वगैरह हैं या कुकर वगैरह हैं, जो उसके हैंडल्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, आपके बेकेलाइट के। मेलामाइन इसका यूज़ करके क्या बनाया जाता है, जो टाइल वगैरह लगाते हैं फ्लोर टाइल्स वो बनाने के लिए, किचन वेयर्स बनाने के लिए, फैब्रिक्स विच रजिस्ट फायर, ऐसे कपड़े बनाने के लिए जो आग ना पकड़े, तो ये सब किसका यूज़ है आपका, थर्मोसेटिक प्लास्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक्सप्लेन वाई फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनको बनाने के लिए हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज क्यों करते हैं। फर्स्ट है आपका सॉस पैन हैंडल्स, जो भी आपके पैन वगैरह होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो आपसे पूछा गया है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ क्यों करते हैं, तो थर्मोसेटिंग में कौन सी प्लास्टिक लिखा हुआ हमने यहाँ पे, मेलामाइन। मेलामाइन क्या है, जल्दी से आग नहीं पकड़ती, रेजिस्ट होती है फायर से, इट कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, जो दूसरी प्लास्टिक हो तो पिघल जाएंगी लेकिन मेलामाइन एक ऐसी प्लास्टिक है वो जो हीट से रेजिस्ट होती है, हीट को वो सहन कर सकती है और वो मेल्ट भी नहीं होगी। तो इसके लिए सॉस पैन हैंडल्स बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऐसी प्लास्टिक का जो फायर के रजिस्टर हो, वो कौन सी प्लास्टिक आपकी, मेलामाइन। बी बार चेक कीजिए, इलेक्ट्रिक प्लग्स स्विचेस प्लग बोर्ड्स, इन सबको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं बेकेलाइट प्लास्टिक, और बेकेलाइट प्लास्टिक कैसी प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका क्यों यूज़ करते हैं, ना तो इसके अंदर से बिजली पास होती है ना इसके अंदर से हीट पास होती है, और इसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रिक पल्स हैं, स्विचेज हैं, प्लग बोर्ड्स हैं, वो हम आसानी से बना सकते हैं क्योंकि हमें करंट वगैरह नहीं लगेगा अगर हम बेकेलाइट के स्विचेज यूज़ करते हैं। कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कांट बी रिसाइकल्ड, आपको कुछ एक यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, मटेरियल्स के नाम बताए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन रिसाइकिल हो सकता है और कौन रिसाइकिल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले देखिए आपकी कौन कौन सी चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं, प्लास्टिक के टॉय रिसाइकिल हो सकते हैं, कैरी बैग्स रिसाइकिल हो सकते हैं, जो बॉल पॉइंट पेन जो आप यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए वो भी आपके रिसाइकिल हो सकते हैं, प्लास्टिक की बाउल रिसाइकिल हो सकती है, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर, जो प्लास्टिक की जो कवरिंग होती है इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर उसको अंदर से उसकी उसको भी क्या किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। इसके अलावा लास्ट है आपका प्लास्टिक चेयर, जो प्लास्टिक की चेयर है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। और आपको पता ही है कौन सी आपकी प्लास्टिक है जो रिसाइकिलेबल है, थर्मो प्लास्टिक। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर टेलीफोन के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, कुकर के जो हैंडल्स हैं, इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस हैं, ये सारे आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं और इनको हम हीट देके मेल्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनको रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता। तो ये एग्जांपल थे आपके जिसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, राना वॉन्ट्स टू बाई शर्ट फॉर समर, जो राना है कोई भी बच्चा है ये जो क्या करना चाह रहा है, शर्ट परचेज करना चाह रहा है समर सीजन के लिए, शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शुड मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, वो किस चीज़ की शर्ट ले, कॉटन की फैब्रिक की ले या फिर किसी और सिंथेटिक मटेरियल की ले, एडवाइस राना गिविंग योर रीज़न, आपको क्या करना है, राना को एडवाइस देनी है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपकी क्या एडवाइस होगी, कि उसको सिंथेटिक फाइबर परचेज करना चाहिए क्योंकि वो सस्ता होता है या फिर कोई उसको नेचुरल फाइबर यूज़ करना चाहिए। राना इज़ एडवाइज टू बाय अ कॉटन शर्ट फॉर समर, आपको पता है गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें कैसे कपड़े डालने चाहिए, कॉटन के कपड़े डालने चाहिए। कॉटन के क्यों डालने चाहिए, क्योंकि कॉटन क्या करता है, जो हमें पसीना आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, और जो कॉटन है उसके फाइबर्स के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन पोर्स के अंदर से क्या होगा, जो हमारा पसीना सोखा है कॉटन शर्ट ने वो धीरे धीरे से क्या होता रहेगा, इवेपोरेट होता रहेगा, और जब भी इवेपोरेशन होगी हमारी बॉडी में कौन सा इफेक्ट आएगा, इफेक्ट यहाँ पे आएगा कूलिंग इफेक्ट। अगर हम कंपेयर करें, अगर यहाँ पे हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं उसको खरीदने के लिए, सिंथेटिक फाइबर स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते, और अगर स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो इवेपोरेशन नहीं होगा, और इवेपोरेशन नहीं होगा तो हमें कैसी फीलिंग आएगी सिंथेटिक मटेरियल्स के अंदर, अनकम्फर्टेबल। तो कैसे कपड़े खरीदने चाहिए गर्मियों में हमें, राना राना को नहीं, हमें भी कैसे कपड़े खरीदने चाहिए सर्दियों में, कैसे यूज़ करने चाहिए हमें, कॉटन फैब्रिक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जांपल टू शो डैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, आपको बताना है कि जो प्लास्टिक है वो नॉन कोरोसिव है हमारे लिए कैसे। वी कैन स्टोर वेरियस काइंड ऑफ केमिकल्स एंड अदर मटेरियल्स इन प्लास्टिक कंटेनर बिकॉज ऑफ नॉन रिएक्टिव एंड डोंट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, जैसे कि आप सभी को पता है ज़्यादातर जो हम अपने घर पे जो खाना वगैरह स्टोर करते हैं, जो ग्रेन स्टोर करते हैं, दालें स्टोर करते हैं, वो किस चीज़ के कंटेनर होते हैं, हमारे प्लास्टिक के। वो क्यों यूज़ करते हैं हम, क्योंकि प्लास्टिक ना तो हमारे खाने से रिएक्शन करता है,
ना वाटर से रिएक्शन करता है, ना ये एयर से रिएक्शन करता है। तो इसलिए हमें किस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक कंटेनर्स को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या है, टेफ्लोन आ काइंड ऑफ प्लास्टिक इज़ यूज एज ए कोटिंग टू मैन्युफैक्चर नॉन स्टिक कुकवेयर। पता भी होगा आपको जो टेफ्लोन एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो हमारे कुकिंग जो कुकवेयर्स होते हैं नॉन स्टिक जो कुकवेयर्स हैं उनके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है टेफ्लोन प्लास्टिक की, ताकि हमारा खाना जो कि हमारा कंटेनर है उसके साथ स्टिक ना करे, चिपके ना। नेक्स्ट आपका बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ द यूटेंसिल्स। जो भी आप हैंडल्स देखते हो कुकर वगैरह के, वो किस चीज़ के बने होते हैं, कौन से प्लास्टिक के बने होते हैं, बेकेलाइट प्लास्टिक के। क्यों बने होते हैं, क्योंकि बेकेलाइट एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। मेलामाइन इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स एंड किचन वेयर, जो किचन वेयर बनाने के लिए या फिर फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मेलामाइन का। शुड द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ टूथ ब्रश कैन बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। आपने देखा होगा जो हम ब्रश करते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक पार्ट तो प्लास्टिक का बना होता है जिसको हम पकड़ते हैं, ग्रिप होती है जिसके साथ हमारी, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है जिससे हम जहाँ पे हम पेस्ट अप्लाई करते हैं, जिससे हम ब्रश करते हैं, जिसको हम ब्रिसल्स बोलते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि जो दोनों पार्ट हैं क्या वो सेम मेटल के बने होते हैं, क्या सेम हार्डनेस होती है उनके अंदर, नहीं ऐसा नहीं होता। जो ब्रिसल्स हैं वो बने होते हैं नाइलोन फाइबर्स के। ब्रिसल्स मतलब जहाँ पे हम पेस्ट अप्लाई करते हैं, जहाँ से हम ब्रशिंग करते हैं, तो जो ब्रिसल्स हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, नाइलोन फाइबर के। नाइलॉन फाइबर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लश्रस होता है, लाइट है वेट के अंदर, और इसको हैंडल करना क्या है, आसान है। मतलब एक तरह से ये जो हमारे जो गम्स वगैरह है उसको ये कोई भी नुकसान नहीं करते नाइलॉन के फाइबर्स। लेकिन जो हैंडल जो हम पकड़ते हैं ब्रश का हैंडल, वो किस चीज़ का बना होता है, हार्ड प्लास्टिक का बना होता है। हार्ड प्लास्टिक का क्यों बनाते हैं उसको, क्योंकि उसकी जो हमारे जो ग्रिप होती है हाथ के साथ वो क्या हो जाए, हार्ड मटेरियल की इजिली ग्रिप बन जाती है। इसलिए जो हैंडल होता है वो किस चीज़ का बना होता है, हार्ड मटेरियल का। और जो हैंडल होगा वो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, ड्यूरेबल, लाइफ पीरियड ज़्यादा होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन योर एडवाइस। जो आप प्लास्टिक यूज़ करते हो उसको क्या करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो पाए आपको अवॉइड करना चाहिए। कमेंट ऑन दिस एडवाइस, आपको इस एडवाइस पर कमेंट करना है। जैसे कि आप जानते हो सभी, हमारी लाइफ के अंदर हर एक जगह पे हम जो प्लास्टिक है उसको यूज़ करते हैं। मतलब एक प्लास्टिक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है हमारे डेली लाइफ का। तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहले क्यों अवॉइड करना चाहिए आपको, प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, इसको डिकम्पोज होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। नेक्स्ट है, प्लास्टिक आर नॉट इको फ्रेंडली, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छे नहीं माने जाते प्लास्टिक। अगर बन किया जाएगा तो पॉइजनस फ्यूम रिलीज होंगे जो कि क्या करेंगे, एयर का पोल्यूशन। अगर मिट्टी में दबा दिया जाएगा तो मिट्टी की जो फर्टाइल पावर है उसको क्या कर देंगे, ये कम कर देंगे। अगर इसको वाटर के अंदर डाल दिया जाएगा तो जो भी हमारी एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए खतरा बन जाएंगे ये। तो किसी भी तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है। नेक्स्ट देखिए, समटाइम काउज एंड अदर एनिमल्स मे ईट प्लास्टिक प्रेजेंट इन द गार्बेज विच मे चोक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इवन कॉज डेथ। कई बार क्या होते हैं, जो हमारे एनिमल्स घूमते फिरते हैं इधर उधर, जो खुले घूमते हैं, वो क्या करते हैं, जो हम वेस्ट डालते हैं घर से बाहर, गार्बेज जो हम इकट्ठा करते हैं, उसके अंदर से जो खाने का आइटम है, खाने के आइटम के साथ साथ जो प्लास्टिक वगैरह है वो भी साथ में खा लेते हैं वो एनिमल्स, जिसकी वजह से उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है, चोक हो जाता है, और जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मतलब एक तरह से प्लास्टिक एनिमल्स को किल करने का भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। प्लास्टिक लेफ्ट इन द सोइल रिजल्ट इन सोइल पोल्यूशन, बता चुके हैं आपको, सोइल पोल्यूशन होगा अगर सोइल के अंदर डाल दिया इसको हमने। प्लास्टिक बैग्स ड्रेन इन टू वाटर बॉडीज कोट ट्रीट टू एक्वेटिक लाइफ, जो हमारा पानी के अंदर जो जीव है उनकी जिंदगी के लिए एक तरह का खतरा बन जाएगा हमारा प्लास्टिक। पोली बैग्स चोक द ड्रेन, ड्रेन जो सीवेज पाइप है उसको क्या कर देंगे, चोक कर देंगे। ये सब क्या है हमारे प्लास्टिक के ऊपर, जो कि उसके क्या है, हमारे नुकसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
मैच द फॉलोइंग, आपको मैचिंग करनी है यहाँ पे। चारों आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चार ही आपको कॉलम्स दिए गए हैं। सबसे पहले है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या है आपका? ऐसा फैब्रिक है जिसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, जो जल्दी से क्या हो जाएगा आपका रिंकल फ्री होगा आपका, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, पॉलिएस्टर की एक प्रॉपर्टी। तो इसको मैच करेंगे आप फर्स्ट को किसके साथ, डी के साथ। नेक्स्ट है आपका टेफलोन। टेफलोन आपको पता ही है जो हमारे नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं उनके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, जो ब्लैक कलर की कोटिंग, वो किस चीज़ की होती है, टेफलोन की। तो यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। उसके बाद है आपका रेयन। रेयन का यूज़ कहाँ, रेयन को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है अकेला जिसको बनाने के लिए हमें प्लांट मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है, और उस प्लांट मटेरियल का नाम क्या है, वुड पल्प। तो रेयन को आप किससे मैच कर देंगे, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। नेक्स्ट देखिए नाइलोन। नाइलोन आपको पता ही है ये एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है, इसको स्टील के कंपेरिजन में जो आपका नाइलोन है क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड स्टॉकिंग्स। इसको बनाने के लिए मतलब जो हम सॉक्स वगैरह बनाते हैं, जो पैरासूट्स वगैरह बनाते हैं, जो रोप क्लाइंबिंग्स के लिए जो हम रोप्स यूज़ करते हैं, तो उन सबको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नाइलोन फाइबर का, जो कि स्ट्रॉन्ग है किसके कंपेरिजन में, स्टील मेटल के, स्टील एलॉय के कंपेरिजन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट, जो हम सिंथेटिक फाइबर जो हम यूज़ करते हैं उससे हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको संरक्षण में सहायता मिलती है, हेल्प होती है। कैसे, आपको पता है सिंथेटिक फाइबर्स मैनमेड फाइबर हैं, इनको बनाने के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड है, पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर डिपेंड है। इनको बनाने के लिए हमें किसी तरह का कोई प्लांट वगैरह या कोई एनिमल वगैरह किल करना नहीं पड़ रहा है। जैसे कि देखो, अगर कॉटन आपको बनानी है तो आपके लिए कॉटन प्लांट को आपको क्या करना पड़ेगा, हार्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको वूल चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे एनिमल है, शिप वगैरह है, उससे हम वूल लेंगे। तो मतलब किसी ना किसी तरीके से हम नेचुरल फाइबर्स के अंदर जो हमारे प्लांट्स एनिमल है उनको हार्म करते हैं, हम किल करते हैं उनको। जैसे सिल्क वर्म है, सिल्क वर्म को किल करना पड़ेगा तब जाके हमें क्या मिलेगी, सिल्क मिलेगी। तो जिससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इसको हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ना प्लांट्स को ना किसी और चीज़ को। हैंस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो आप बोल सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स का, उसका हेल्प कहाँ पर मिलता है हमें, हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो डैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोप्लास्टिक क्या है, एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल एंड कनेक्ट इट बिटवीन द सर्किट एज शोन इन द फिगर। अभी फिगर दिखाएंगे आपको। तो मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है, उसके बीच में आपको गैप रखना है जहाँ पे हम क्या रखेंगे, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। फिर आपको कनेक्ट कर देना है सर्किट को, करंट पास करवाना है उसके अंदर से। अगर बल्ब ग्लो करता है थर्मोप्लास्टिक मटेरियल रखने के बाद, तो आप बोल सकते हो कि आपका थर्मोप्लास्टिक क्या है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर कोई करंट पास ना हो या बल्ब ग्लो ना करे, तो उसमें आप बोल सकते हो पुअर कंडक्टर और फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डायग्राम में चेक कीजिए आपको क्या नज़र आ रहा है। देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे बैटरी नज़र आ रही है आपको, बैटरी के बाद ये बैटरी आपकी, यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, एक तार आपका यहाँ लगा दिया गया है, एक वायर आपकी यहाँ लगा दी गई है, और किससे कनेक्ट कर दिया गया है, इसको बल्ब से। अभी यहाँ पे बल्ब को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया गया है ब्लैक वायर से, बीच में आपका क्या लगा दिया गया है, यहाँ पे कंडक्टर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर से करंट ईजिली पास हो जाए। तो जैसे ही आप बैटरी को स्विच ऑन करते हैं, ये तार प्रॉपर लगाते हैं, वैसे ही क्या होगा, आपका बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, करंट फ्लो होगा। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये दिख रहा है आपको, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, ये तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, कंडक्टर लिया है, लेकिन आपको क्या डालना है, आपको डालना है थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक देखिए, बैटरी सेम है आपकी, वही सेटिंग है, एक रेड वायर है आपकी, एक
ब्लैक वायर है। किसके साथ जोड़ दिया गया है इस वायर्स को? बल्ब के साथ। चेक करना है आपको बल्ब ग्लो करेगा या फिर नहीं करेगा। और बीच में अभी हमें यहाँ पे क्या लगा दिया है? थर्मोप्लास्टिक। जैसे ही हम बैटरी को अरेंज करेंगे, तार वगैरह लगाएंगे, तो हमारा यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोप्लास्टिक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, 8 क्लास। चैप्टर नेम इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, जो धातु और अधातुएं हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल्स बोलते हैं। मटेरियल्स क्या होते हैं? जो भी आपको आपने आसपास नज़र आती है, जो भी चीज़ें, जैसे कि आपके पेन, पेंसिल, चेयर, बुक्स, जो भी आपको अपने आसपास में नज़र आ रहा है, वो सभी क्या है? मटेरियल है। अगर साइंटिफिक बोला जाए कि मटेरियल क्या है, तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास होता है और जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ मास होगा उनके अंदर और उनको किसी जगह पे रखा जाएगा तो वो कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल्स बोलते हैं। मतलब एक तरह से मटेरियल्स आपके हो गए, मैटर को ही हम क्या बोलते हैं? मटेरियल्स बोलते हैं। तो मटेरियल्स में भी हमें क्या क्या करना है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका ये। इसमें आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और साथ में यूजेस क्या हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, उसके बारे में पढ़ना है आपको इसमें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। यू आर फैमिलियर विद नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। आप फैमिलियर होंगे, आपकी जान पहचान होगी कुछ एक मटेरियल्स के साथ, क्योंकि उनको आप क्या करते हो? डेली आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को वो मिलते हैं। जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गई, कॉपर हो गया, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि आपको अपने आसपास में दिखाई देते हैं। तो टेबल दी है एक यहाँ पे 4.1, इसके अंदर आपको बोला है कि जो आपको मटेरियल्स नज़र आते हैं उनकी अपीयरेंस और हार्डनेस को आपको बताना है। कैसे अपीयर होते हैं? वो शाइनी अपीयर होते हैं या डल अपीयर होते हैं? हार्डनेस में आपको बताना है वेरी हार्ड या नॉट वेरी हार्ड। तो चेक करते हैं क्या क्या पूछा गया है हमें अपीयरेंस और हार्डनेस के लिए। सबसे पहले टेबल के अंदर दिया गया है यहाँ पे आयरन। आयरन, जैसे कि आप जानते हो, आयरन क्या है? एक मेटल है आयरन, और जो मेटल्स हैं उनकी जो अपीयरेंस है वो कैसी होती है? शाइनी अपीयरेंस होती है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? शाइनी। और उसके बाद हार्डनेस के बारे में बताना है आपको। हार्डनेस में यू नो वेरी वेल मेटल्स आर वेरी हार्ड। जो मेटल्स हैं हमारी वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, और ये तो आप ऑब्जर्व भी करते हो अपने डेली लाइफ के अंदर। तो इसको हम लिखेंगे वेरी हार्ड। दूसरा देखिए क्या गिवन है हमें। कोल। कोल है आपका, जो हम कोयला यूज़ करते हैं उसी को हम कोल बोलते हैं। अपीयरेंस में इसके अंदर कोई शाइनीनेस नहीं होती, ये कैसा होता है? डल अपीयरेंस होती है इसकी। और अगर इसको हम किसी चीज़ के ऊपर, मान लिया कोई चीज़ मारते हैं इसके ऊपर, हथौड़ा वगैरह मारा जाए, तो क्या होगा? ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक क्यों हो जाता है? क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे नॉट वेरी हार्ड। नेक्स्ट देखिए सल्फर। सल्फर की भी अपीयरेंस डल होती है, और ये भी कैसा होता है? नॉट वेरी हार्ड। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा आपने, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स देखे होंगे अपने घर पे, वो कैसे होते हैं? शाइनी अपीयरेंस के होते हैं, और क्या होते हैं? वेरी हार्ड। नेक्स्ट है कॉपर, तांबा बोलते हैं जिसको हम। ये भी आपका कैसा होता है? शाइनी अपीयरेंस का होता है, और कैसा होगा? वेरी हार्ड। तो हमने इस टेबल को फिल कर लिया है, जिसमें हमें क्या फिल करना था? अपीयरेंस के बारे में, मटेरियल्स के, और उनकी हार्डनेस के बारे में। अब हमें यहाँ से चेक करना है कि हमारे कौन से मटेरियल्स मेटल्स हैं, और जो मटेरियल्स मेटल नहीं है वो क्या होंगे? नॉन मेटल्स। देखिए आपसे क्वेश्चन किया गया, कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। आपको उन मटेरियल्स के नाम बताना है जो इसमें आपने मेटल्स यूज़ की है। आयरन है आपका मेटल, एल्यूमिनियम आपकी मेटल है, और कॉपर भी क्या है आपका? मेटल है। अब मेटल्स नहीं है वो कौन है यहाँ पे? कोल है और सल्फर है, क्योंकि इन दोनों की अपीयरेंस डल थी और ये दोनों हार्ड नहीं थे, इसलिए क्या है? दोनों के दोनों आपके नॉन मेटल्स। तो देखिए आगे, उसके बाद मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम कैसे बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट मेटल है, ये मेटल नहीं है? उसके लिए, डिफरेंस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की और
केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल में जैसे भी हमने बात की है, अपीयरेंस में मेटल्स कैसे अपीयर होती है, शाइनी अपीयरेंस होती है, और नॉन मेटल्स कैसे अपीयर होंगी, हमारी डल अपीयरेंस की होंगी। तो हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग करके हम डिफ्रेंस करके हम बता सकते हैं। तो रिकॉल दैट लश्चर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो लश्चर, लश्चर का मतलब है चमक, और शाइनिंग बोलते हैं इसको हम, और जो हार्डनेस है कठोरता, ये कैसी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अब देखिए, सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हैव यू एवर बीन सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आयरन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड, शॉल एंड एक्स? डू यू फाइंड एनी चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? जैसे कि आपको पता है ब्लैक स्मिथ होता है आपका लोहार, और जो गोल्ड स्मिथ है वो होता है आपका सुनार। तो देखा होगा आपने लोहार को आयरन पीस के आर्टिकल्स को बीट करते हुए, पीटते हुए। तो पीटने के बाद क्या होता है, जैसे स्पेड है, कुदाल है आपके पास, या फिर आपके पास शॉल है, या फिर कुल्हाड़ी है, तो मतलब कोई भी आपके आयरन आर्टिकल्स हैं, अगर उसको बीट किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, बीट करने के बाद, उसको पीटने के बाद उसकी जो शेप है उसके अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ यू ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल? क्या अगर आप कोल को भी बीट करते हो, उसको पीटते हो, तो उससे क्या आपको उसके अंदर भी आपको शेप चेंज नजर आएगी? तो देखते हैं हम क्या होगा। एक्टिविटी से बताया इन्होंने, टेक अ स्मॉल आयरन नेल, आपको एक आयरन नेल लेनी है, एक कोल का पीस लेना है, अ थिक पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम वायर लेनी है आपको, मोटी लेनी है, एंड अ पेंसिल लीड, और पेंसिल का लीड लेना आपको। पेंसिल का लीड क्या होगा, जो उसके अंदर ब्लैक सब्सटेंस होता है ना जिससे हम लिखते हैं, बाहर तो हमारा क्या होता है वुड पार्ट होता है बाहर पेंसिल के, और जो अंदर वाला सब्सटेंस उसको हम क्या बोलते हैं, पेंसिल लीड बोलते हैं। बीट द आयरन नेल विद अ हैमर, आपको क्या करना है, आयरन आपको दिखाया गया जैसे कि पिक्चर के अंदर, हैमर दिखाया गया आपको, और उसको किसके साथ बीट, हैमर से किसको बीट किया जा रहा है, आयरन नेल को। तो आपको क्या चेंज नजर आएगा, आपको जो आयरन नेल है उसकी जो शेप है उसके अंदर आपको क्या नजर आएगा, चेंज नजर आएगा। अब आपको क्या करना है, अलग अलग आपको आर्टिकल्स जो इन्होंने बोले हैं वो यूज़ करने हैं, आपको एल्यूमिनियम वायर भी यूज़ करनी है, कोल पीस भी यूज़ करना है, पेंसिल का लेड भी यूज़ करना है। तो आपको इन सभी के ऊपर भी क्या करनी है, हैमरिंग करनी है। हैमरिंग करने के बाद आपको क्या नज़र आएगा, जो आपका आयरन है और जो एल्यूमिनियम है, जैसे ही हमने उनके ऊपर हैमरिंग किया तो उनकी शेप क्या हो गई है, चेंज हो गई है। लेकिन जो कोल है और जो पेंसिल का लीड है उसके अंदर आपको क्या नज़र आएगा, वो टूट जाएगा छोटे छोटे पीसेस के अंदर। तो हमें मतलब क्या नज़र आया कि यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके अंदर क्या है, डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका मिलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। मिलिएबिलिटी क्या होती है, जब भी आपका जो मटेरियल है अगर उसको हम किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई करते हैं, हैमरिंग करते हैं, जब वो पतली पतली शीट्स के अंदर चेंज हो जाएगी, शीट्स बन जाएगी, उसकी चादरें बन जाएंगी, उसकी मेटल्स की चादर बनेगी, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मिलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे चेक कीजिए कि किस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी मिलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है और किसके अंदर मिलिएबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे पहले आपको गिवन है आयरन नेल। आयरन नेल जैसे कि आपको पता है लोहे की कील है ये, और लोहे की कील के ऊपर अगर हम हैमरिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी या ब्रेक इन टू पीसेज, फ्लैट मतलब समतल हो जाएगी वो, या फिर उसके कई सारे छोटे छोटे पीसेज बन जाएंगे। तो आपको पता है आयरन के ऊपर जैसे हैमरिंग की जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। दूसरा इन्होंने लिया है कोल पीस, अगर कोल पीस के ऊपर हम हैमरिंग करेंगे तो कोल क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक इन टू पीसेस। नेक्स्ट एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम वायर के ऊपर भी अगर हैमरिंग किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। पेंसिल लीड क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट जाएगा। तो यहाँ से हमने कौन सी प्रॉपर्टी की है, मिलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। अब बताया गया कंक्लूजन आपको क्या हुआ है, यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज इन टू द बीटिंग। बीटिंग करने से किस किस की शेप चेंज हो गई है, आयरन नेल की और एल्यूमिनियम वायर की। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इन टू शीट्स, अगर इनको हम हार्ड बीट करते हैं
तो क्या होगा, इनकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और किसके अंदर आ जाएगी इनकी शेप चेंज होने के बाद, शीट्स के अंदर आ जाएगी, चादरों के अंदर आ जाएगी। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट। आपने चेक किया होगा, जैसे काजू कतली खाई होगी आपने, उसके ऊपर क्या होता है, एक पतली सी वायर लगी होती है, सिल्वर फॉयल लगी होती है, चांदी की एक परत चढ़ी होती है उसके ऊपर, और वो देखो कितनी पतली होती है। तो इसका मतलब मेटल्स के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी हम क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी पतली पतली हम चादरें बना सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑल्सो फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग द फूड। आप करते भी होगे, जैसे अपना खाना वगैरह आपको कहीं बाहर जाना है या स्कूल में जाना है तो आप रैप करके लेके जाते हो, और एक चमकदार सी आपकी जो धातु होती है, मेटल है आपकी एल्यूमिनियम, उसके अंदर आप रैप करते हो। तो जो, या फिर आप होटल वगैरह के अंदर खाना आपने पैक करवाया हो तो वो भी क्या करते हैं, आपको सेम एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर खाने को रैप करके देते हैं। तो ये जो रैपिंग मटीरियल है आपका एल्यूमिनियम फॉयल, तो एक मेटल ही है वो आपकी, और उसकी कितनी पतली आपने शीट्स को चेक किया होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मिलिएबिलिटी। तो ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसकी वजह से उसको हम क्या कर पाते हैं, बीट करके उसको पतली पतली चादरों में चेंज कर पाते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मिलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। और ये करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल्स की। मतलब ये प्रॉपर्टी मेटल्स के अंदर ही नजर आएगी हमें, नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कि अभी हमने ऊपर एक डिस्कस किया था, कोल लिया था हमने, टूट गया था वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर, पेंसिल लीड लिया था वो भी क्या हो गया था, छोटे छोटे पीसेस में टूट गया था। As you must have noticed, material like coal and pencil lead don't show this property. वो इस property को show नहीं करते हैं, coal और आपका pencil का lid, क्योंकि वो metals नहीं है। Can you hold a hot metallic pan with a which is without a plastic or wooden handle and not get hurt? आपने देखा होगा जो किचन के अंदर हमारे ज़्यादातर जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको अगर हम गर्म करते हैं तो पीछे एक उनके क्या दिया होता है, एक पकड़ने का हैंडल दिया होता है। और जो हैंडल होता है वो हैंडल आपका मेटल का नहीं बना होता, वो हैंडल आपका किस चीज़ का बना होता है, वो बना होगा चाहे तो आपका वुड का, लकड़ी का हैंडल होगा आपका, जैसे तवा वगैरह देखा होगा आपने, तो जो पीछे पकड़ने वाला हैंडल होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो बना होता है चाहे तो आपका लकड़ी का हो सकता है या फिर वो आपका प्लास्टिक का बना हो सकता है, और प्लास्टिक भी वो प्लास्टिक जो मेल्ट ना हो, जैसा कि हमने थर्ड चैप्टर के अंदर किया है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इन्होंने बोला, अगर आपने कभी ऐसा कोई मेटेलिक पैन यूज़ किया हो और जिसके ऊपर आपके वुडन का और प्लास्टिक का हैंडल ना हो, तो क्या उससे आप आसानी से उसको हैंडल कर पाओगे, कि आपको कोई हर्ट वगैरह नहीं होगा, कि आपको वो गर्म नहीं लगेगा? परहैप्स नॉट, पर शायद ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? Try to make some other experiences in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. तो आपको अपने आप से और एग्जाम्पल बताने हैं कि कहाँ कहाँ पर आपने ऐसे हैंडल्स देखे हैं जहाँ पर आपको प्लास्टिक और वुड के हैंडल नज़र आते हो, और जिसका यूज़ आप कहाँ करते हो, गर्म ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए आप करते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसिस यू कैन से डैट कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। क्या आप इस बेसिस पे बता सकते हो क्या कि हमारे जो वुड हैं, जो लकड़ी हैं, जो प्लास्टिक हमने एज अ हैंडल यूज़ किए हैं, तो क्या उनके अंदर हीट कंडक्ट होगी? अगर हीट कंडक्ट होती तो हमें कैसे फील होते, वो गर्म फील होते, लेकिन क्या कभी हमें तवे का जो हैंडल है वो गर्म फील होता है? नहीं होता है। या फिर जो प्लास्टिक के हैंडल जो हम पतीले वगैरह के यूज़ करते हैं, कुकर के जो हैंडल यूज़ करते हैं, क्या हमें कभी वो गर्म फील होते हैं? नहीं होते हैं। इसका मतलब कि जो वुड और जो प्लास्टिक है वो क्या है, आपका एक बैड कंडक्ट ऑफ हीट, मतलब उसके अंदर से हीट पास नहीं होती। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, वट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव एंड वाई? आपने देखा भी होगा कोई भी, जैसे इलेक्ट्रीशियन वगैरह आपने, तो उसको वो जो स्क्रू ड्राइवर जो यूज़ करता है, तो जो उसका पीछे वाला पार्ट है वो भी किस चीज़ का बना होता है, प्लास्टिक का बना होगा। क्यों बना होगा? क्योंकि आपको पता ही है वो क्या चेक करते हैं, उससे करंट वगैरह का कंडक्शन चेक करेंगे। अगर आपका पीछे भी आपका मटेरियल ऐसा लगा होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, तो आपको क्या हो जाएगा, करंट लग जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी ना फिर वहाँ पे। तो इसलिए क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं स्क्रू ड्राइवर, उसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो किस चीज़ का बना होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का। और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कुछ भी हो सकता है, आपका प्लास्टिक हो सकता है या कोई भी हो सकता है आपका। इन्होंने फिर एक एक्टिविटी से पूछा है आपको,
एक्टिविटी देखिए, रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। आपको चेक करना है कि किसी भी सर्किट के अंदर या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से बिजली पास हो रही है या फिर नहीं हो रही है। डायरेक्ट तो हम क्या करेंगे, उसको पकड़ के नहीं चेक करेंगे स्विच वगैरह में लगा के। तो उसको हमें क्या करना है, एक सेटअप के अंदर अरेंज करना है और फिर उसको हमें चेक करना है कि उसके अंदर बिजली पास हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, एक आपको सेल नज़र आ रहा है, एक बल्ब नज़र आ रहा है और आपको बीच में क्या नज़र आ रहे हैं, वायर्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या नज़र आया है, ये हमने लिया है आयरन नील, बीच में हमने इसको अरेंज कर दिया है। और जैसे ही आप इसको वायरिंग को प्रॉपर करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को आप ज्वाइन करेंगे, तो आपको बल्ब क्या करता हुआ नज़र आएगा, ग्लो करता हुआ नज़र आएगा। तो इसका मतलब जो बीच में हमने ये जो मटेरियल लिया है क्या है, ये आयरन नेल लिया है। तो इसके अंदर से भी क्या हो रहा, हमारा बिजली पास हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक कंडक्टर है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे बीच बीच में हम रख के देखेंगे, आयरन नेल रखी है, एल्यूमिनियम फॉइल रख लेंगे, या फिर यहाँ पे हम वुडन नेल वुड रख लेंगे, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कोल रख लेंगे, जिसको आपको टेस्ट करना है कि ये कंडक्टर है या फिर नहीं है, तो आप यहाँ से उसको टेस्ट कर सकते हो। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रिक टेस्टर। इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है, वो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद दी एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट। एक्टिविटी को आपको पता है अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ परफॉर्म करना है और आपको चेक करना है कि किसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है और किसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आयरन नेल, आयरन नेल तो अभी वहाँ पे दिखाया गया आपको, बल्ब ग्लो कर रहा था। तो क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सल्फर, सल्फर को लिखो गया पुअर कंडक्टर। कोल पीस, क्योंकि ये भी नॉन मेटल है, ये भी क्या है, पुअर कंडक्टर। कॉपर वायर, कॉपर वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटल है ये आपकी। तो जो ज़्यादातर मेटल्स हैं आपकी वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही आपको कंक्लूजन बताया गया अब आगे। यू ऑब्जर्व डेट आयरन नेल, आयरन रोड, कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर का मतलब है कि इनके अंदर बिजली आराम से पास हो जाती है। वाइल रोल्ड सल्फर पीसीज एंड कोल पीसीज आर पुअर कंडक्टर। जो ऊपर हमने डिस्कस किया था, जो सल्फर है हमारा और जो कोल है हमारा, वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उनके अंदर से करंट पास नहीं होगा। अब देखिए पहली एकदम से क्या है, ये बोल रही है यहाँ पे, ओह द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन टू दिस एक्टिविटी वॉज टू शो डैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वी लर्न दिस इन क्लास 7th। देखो इन्होंने बोला यहाँ पे कि जैसा कि इन्होंने 6 और 7 क्लासेस के अंदर जो रीड किया है, अब इसको समझ में आ गया है कि कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मेटल्स हैं, वो सारे के सारे क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं और इसके साथ साथ गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी हैं। Where do you find the use of aluminium and copper wire? Have you seen wire of coal? Definitely not. आपने देखा ही होगा, आपने कॉपर की वायर भी देखी होगी, एल्युमिनियम की वायर भी देखी होगी। अपने एल्युमिनियम हम यूज़ भी करते हैं, फॉइल की फॉर्म में यूज़ करते हैं, कॉपर को हम वायर्स के फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्या कभी आपने कोयले की वायर देखी है? डेफिनेटली नॉट, हमने ऐसा कभी ऑब्जर्व नहीं किया है। तो अब उस प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम, जिस प्रॉपर्टी के कारण जो आपकी मेटल्स है उसको वायर फॉर्म में चेंज किया जाता है, तारे बनाई जा सकती है। तो देखिए क्या बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स। ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली तारे बना सकते हैं, हम वायर्स बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब वायर्स बनाना, किसका यूज़ करके, मेटल्स का यूज़ करके। Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, a plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? If not, you can try it now. देखो आपको क्या बोला है, आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट लेने हैं, जैसे आपने लकड़ी ले ली है, वुड ले लिया आपने, कोल का पीस ले लिया आपने, एक मेटेलिक सिक्का ले लिया आपने, जैसे 5 रुपये का सिक्का ले लिया, 2 रुपये का, 1 रुपये का, और एक आपने आयरन की प्लेट ले ली है, एक प्लास्टिक की प्लेट ले लीजिए। आपको क्या करना है, 1 by 1 उसको क्या करना है, ऊपर से नीचे गिराना है आपको, और आपको डिफरेंस चेक करना है कि उनकी साउंड में, गिराने के बाद जो साउंड आई है आपकी, क्या वो सभी की सेम है, सभी ऑब्जेक्ट्स की, या कुछ जो मेटल्स हैं उनकी साउंड कुछ अलग तरह की है। तो इन्होंने यही बोला है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने आप से ट्राई करना है, साउंड के अंदर आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है।
देखिए उसके बाद हैव यू सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल, क्या कभी आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी हैं? नहीं देखी या कभी स्कूल में आपने देखा है कि लकड़ी की घंटी लगी हुई है आपकी? लकड़ी की घंटी क्यों नहीं लगी होती? आपको यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन किया है कि ऐसा क्यों नहीं होता। आंसर भी देखिए क्या है, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस आर रिंगिंग साउंड वेन स्ट्रक हार्ड। जब भी आपके जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट हैं अगर वो किसी हार्ड सरफेस से टकराती है तो उसके बाद क्या प्रोड्यूस होती है? रिंगिंग साउंड, मतलब एक तरह की आवाज़ बनती है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड अदर ऑफ मेटल। इन्होंने एग्जाम्पल बोला, जैसे आपको दो बॉक्स लेने हैं, सेम साइज के लेने हैं, सेम शेप के लेने हैं आपको, और उनकी अपीयरेंस भी आपको सेम लेनी है। और एक तो आपको लेना है जो वुड का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ है, और दूसरा आपको लेना है जो किसी भी मेटल का बना हुआ है। आपको क्या करना है, इन बॉक्सेस के ऊपर आपको क्या करना है, स्ट्राइक करना है, मतलब आपको हाथ के साथ थपथप करना है। तो आपको देखना है कि किसके अंदर जो आपको जो साउंड है अलग से नज़र आई है, अलग से सुनाई दी है साउंड, तो उसको उस प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो इन्होंने कंक्लूजन बोला यहाँ पे, मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जो ज़्यादातर जो हमारी मेटल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनरस। सोनरस मतलब रिंगिंग साउंड, उसको क्या बोला जाएगा, सोनरस बोला जाएगा। अब जो आपने लकड़ी का बॉक्स लिया था वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जो आपने आयरन का बॉक्स लिया था वो क्या प्रोड्यूस करेगा, या कोई भी मेटल का बॉक्स लिया था वो प्रोड्यूस करेगा आपका रिंगिंग साउंड। तो ऐसे मटेरियल्स जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके मेटल्स होते हैं। तो हम बोल सकते हैं मेटल्स शो सोनरस प्रॉपर्टी। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़, हमने ऊपर कितनी सारी एक्टिविटीज़ की हैं, कहीं पे हमने कंडक्शन चेक किया है, कहीं पे हमें हीट का कंडक्शन चेक किया, कहीं पे हमें रिंगिंग चेक किया है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी चेक की है, मिलिएबिलिटी प्रॉपर्टी चेक की है। तो इनके बेसिस पे हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि जितनी भी मेटल्स हैं हमारी उन सभी की फिजिकल मतलब अपीयरेंस क्या है, क्या उनके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है, भौतिक अवस्थाएँ, ठीक है, हम भौतिक प्रॉपर्टीज़ की विशेषताएँ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको पता है मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स क्या है, हार्ड होती है, लश्रस चमक होती है, मिलिएबल चदरे बनाई जा सकती है, डक्टाइल उनकी वायर्स बनाई जा सकती हैं पतली पतली, सोनरस मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती हैं, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के अंदर से जो उष्मा है वो भी पास हो जाती है, मतलब गर्म हो जाते हैं मेटेलिक कंटेनर्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी है जो बिजली है वो भी मेटल्स के अंदर से ईजिली पास हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है तो वो क्या है, मेटल्स है। तो अभी यहाँ से आपको मेटल्स की डेफिनेशन बताई गई है, द मटेरियल्स विच जनरली पोजेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। जो भी मटेरियल्स, जो भी ऑब्जेक्ट इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। फिर आगे आपको मेटल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि मेटल्स में आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत तरह के एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। इसके बाद बोला इन कंट्रास्ट, इसके अलावा आपके जो मटेरियल्स जैसे कोल है, सल्फर है, वो कैसे हैं, सॉफ्ट हैं, और अपीयरेंस कैसी है उनकी, डल है। और उसके अलावा क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे पाउडरी मास के अंदर, जब उसको क्या किया जाएगा, हैमरिंग किया जाएगा, जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे वो। एंड दे आर नॉट सोनरस, ना ही उनके अंदर कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स हैं। तो इसलिए ऐसे मटेरियल्स जो ये सभी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब अधातु बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। एग्जाम्पल देखिए नॉन मेटल्स के क्या क्या हैं, सल्फर हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे नॉन मेटल्स के। अब उसके बाद देखिए, मेटल्स लाइक पोटाशियम एंड सोडियम आर सॉफ्ट। आपने अभी ऊपर किया था कि जो हमारे मेटल्स हैं ज़्यादातर हमारी हार्ड होती हैं, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन भी आपके मेटल के केस में। कौन सा एक्सेप्शन है, जो कि आपकी मेटल्स होते हुए सॉफ्ट नेचर की होती हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, सोडियम और पोटाशियम, ये मेटल क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, और इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इनको हम आराम से चाकू के साथ क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये आपका एक एक्सेप्शन है सोडियम और पोटाशियम मेटल का, जो कि क्या है, सॉफ्ट है, मुलायम है ये। मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। मर्करी भी एक मेटल ही है,
और ये मेटल आपकी किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, लिक्विड स्टेट के अंदर। लेकिन ज़्यादातर जो आपके मेटल्स हैं, जैसे लोहा देखा होगा आपने, तांबा देखा होगा आपने, वो कैसे दिखते हैं आपको, हार्ड नज़र आते हैं, सॉलिड नज़र आते हैं। लेकिन मरकरी आपकी मेटल ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होगी, आपको क्या स्टेट देगी, वो देगी आपको लिक्विड स्टेट। दीज आर एक्सेप्शंस, ये क्या है, कुछ अपवाद हैं जो कुछ अलग हैं हमारी मेटल्स के कंपैरिजन में। ये सभी हमने अभी किया है यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ से आपके पास बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस निकल के आए हैं, मिलेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, सोनरस क्या है, कंडक्टर्स कौन होते हैं, उसके अलावा आपके एग्जाम्पल्स मेटल्स के, मेटल्स की डेफिनेशंस क्या, डेफिनेशन क्या है, तो ये सब आप कर लेंगे अच्छी तरह से, राइट डाउन कर लेंगे इसको आप और रिमाइंड कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, 8th क्लास। चैप्टर नेम इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करने से पहले, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट वीडियो आप चैनल के जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जितनी हमने अभी तक डाली हैं 1 क्लास से रिलेटेड, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेट स्टार्ट। ये सारा कर चुके हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए, फर्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे कि आपको पता है चैप्टर का नाम ही हमारा मेटल और नॉन मेटल है, तो इसकी हमें बात करनी है केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब रासायनिक जो प्रॉपर्टीज हैं, जो विशेषताएं हैं हमारे मेटल और नॉन मेटल्स की, वो क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। आपको चेक करना है मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं तो क्या बनता है, नॉन मेटल की अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो क्या बनेगा, और जो उनके ऑक्साइड्स बनेंगे उनका नेचर कैसा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा लोहे के जो हमारे मटेरियल्स हैं उनके ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग को कोरोजन भी बोला जाता है, लेकिन कोरोजन के अंदर क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन भी बोलते हैं। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म। इन्होंने बोला है कि याद कीजिए, आपने 7th क्लास के अंदर ये रिएक्शन कर रखी है, उसको याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। आपने जो 7th क्लास में किया है वहाँ पे आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, मैग्नीशियम जो मेटल है उसका हमें रिबन लेना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसको एयर के अंदर हमें क्या करना है, बर्न करना है। यू हैड लर्न डैट इन बोथ द प्रोसेसेज ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आपको पता होगा कि इन दोनों प्रोसेस के अंदर, जिसमें आयरन की ऑक्सीजन से रिएक्शन की जाए और मैग्नीशियम की किससे रिएक्शन की जाए, ऑक्सीजन से रिएक्शन की जाए, तो ऑक्साइड्स बनते हैं। देखो आपको पता है मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो मेटल के क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स बनेंगे। तो वही बोला गया आपको यहाँ पे, किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ मेटल। अभी आपको बोला गया कि रिएक्शन कंप्लीट कीजिए। रिएक्शन में देखिए, जैसे आपके पास क्या है, आयरन है, ऑक्सीजन है और वाटर है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया आयरन, ऑक्सीजन और साथ में क्या लिया है, वाटर। इसकी रिएक्शन हमने करवाई, या सिंपल ये रिएक्शन नेचर के अंदर अपने आप चलती रहती है। लोहे के हमारे आर्टिकल्स हैं ही, ऑक्सीजन अवेलेबल है ही हमारे एटमोसफेयर के अंदर, वाटर वाटर वेपर्स की प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो बनता क्या है, Fe2O3 XH2O। तो ये क्या है Fe2O3, ये है आपका रस्ट। क्या बोलते हैं इसको, रस्ट बोलते हैं, मतलब जो लोहे के ऊपर जो जंग लगता है ना, वो एक्चुअल में यही सब्सटेंस होता है, और जो ये क्या बना देता है, एक लेयर बना देगा हमारी मेटल के ऊपर। तो ये रिएक्शन उन्होंने कंप्लीट करने के लिए बोला था, ये रिएक्शन हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरी रिएक्शन उन्होंने क्या बोला है, मैग्नीशियम मेटल लीजिए, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कीजिए, तो क्या बनेगा आपके पास, बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो यहाँ पे भी देखिए आप, ऑक्सीजन जुड़ गई है और यहाँ पे भी क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, मेटल्स के ऑक्साइड्स। क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, मेटल के ऑक्साइड। तो ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी मेटल्स की, कि मेटल किससे रिएक्शन कर जाती हैं, ऑक्सीजन से वो रिएक्शन कर जाती हैं।
एक्टिविटी देखिए उसके बाद, ये जो रिएक्शन अभी हमने यहाँ पे कंप्लीट की है, यहाँ पे आप कर लेना इसको कंप्लीट, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगे हैं। ये प्रोडक्ट हम बता चुके हैं क्या बनेगा। एक्टिविटी 4.3, एक्टिविटी 4.3 के अंदर देखिए ये एक्टिविटी आपकी, यहाँ पे भी आपको चेक करना है कि जो आपके पास जो नेचर आएगा आपका, जो भी रस्ट बना है उसका नेचर कैसा होगा। इस एक्टिविटी के लिए क्या करना है आपको, लेट अस चेक द नेचर ऑफ द रस्ट, जो नेचर आपका रस्ट का है वो आपको चेक करना है, आइदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। इसमें आपको क्या करवाना है, रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर, जब भी आयरन ऑक्सीजन और वाटर रिएक्शन करते हैं तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, रस्ट की फॉर्मेशन होगी। किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, रस्ट, मतलब जंग लगेगा हमारा। और आपको क्या करना है, रस्ट को आपको उतार लेना है किसी भी ऐसे मटेरियल के ऊपर से, जैसे लोहे का कोई भी मटेरियल आपके पास है तो वहाँ से आप रस्ट को उतार लेंगे और उसको क्या कर लेंगे आप, उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर उसको बिल्कुल क्रश कर लेंगे, तोड़ लेंगे उसको आप। क्रश करने के बाद आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा पानी लेना है, पानी के अंदर आपको क्या करना है, मिक्स करना है किसको, रस्ट को। जब पानी के अंदर आप मिक्स करेंगे वो प्रॉपरली डिजोल्व तो नहीं होगा उसके अंदर, लेकिन कुछ एक पार्ट है उसका जो क्या हो जाएगा, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। फिर आपका जो सॉल्यूशन आ गया है पानी का और जो रस्ट का आपका सॉल्यूशन बना है, उसको क्या करना है आपको, किसी एक कंटेनर के अंदर डाल लेना है, किसी वॉच ग्लास के अंदर, लैब में यूज़ करते हैं वॉच ग्लास। तो देखिए यहाँ पे है आपका, ये रखा है, ये वॉच ग्लास है आपका, ये लैब के अंदर परफॉर्म करके दिखाया गया है, ये वॉच ग्लास है, ये टेस्ट ट्यूब ली गई है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाल दिया गया है, इसके अंदर क्या है आपका, पानी है और साथ में क्या है आपका, रस्ट है, और उसका क्या कर दिया गया है, सॉल्यूशन बना दिया गया है। ये नीचे देखिए थोड़ा बहुत रस नीचे बैठ गया है हमारा, और कुछ एक रस जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया है वो हमारा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। फिर इस टेस्ट ट्यूब में से आपको जो आपका रस्ट वाला वाटर है आपको यहाँ पे निकाल लेना है, किसके अंदर निकाल लिया, हमें इसको वॉच ग्लास बोलते हैं। और ये निकालने के बाद हमारे पास दो कलर के फिल्टर, दो कलर के लिटमस पेपर आते हैं, एक आते हैं रेड कलर के, एक आते हैं ब्लू कलर के। यहाँ से आपको पता होगा जो एसिड है वो क्या करते हैं, जो ब्लू कलर के लिटमस पेपर है उसको किस कलर में चेंज कर देते हैं, रेड में। आप ध्यान रखना एसिड कौन सा कलर देते हैं हमें, रेड कलर। रेड कलर किस चीज़ का साइन होता है, ये डेंजर का साइन होता है। और आपको पता है हमारे पास बहुत सारे जो एसिड है वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, वो जला देते हैं हमें। तो एसिड कैसा कलर देते हैं हमें, रेड कलर। किस लिटमस पेपर का, ब्लू का, रेड कलर चेंज कर देते हैं। और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड कलर के लिटमस पेपर को किस कलर में चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर में। किस कलर में चेंज करेंगे, ब्लू कलर में। अब आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिया गया है, जो हमारे जो मेटल ऑक्साइड होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में क्या आया है, आयरन का ऑक्साइड आ गया हमारे पास वाटर के अंदर जो डिजोल्व है, उसको अगर हम पानी के अंदर डिजोल्व होने के बाद अगर रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर से चेक करेंगे हम, तो ये कैसा कलर चेंज आ जाएगा, रेड लिटमस पेपर का हमारा आ जाएगा यहाँ पे ब्लू कलर। रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर में। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया था वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है, क्योंकि कैसा कलर आएगा हमारे पास लिटमस पेपर का, रेड से ब्लू कलर। और अगर हम यहाँ पे ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका कोई कलर चेंज नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, मतलब बेस टर्न टू ब्लू। तो यहाँ से हम बोल पाएंगे कि जितने भी हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर। कैसे होते हैं हमारे मेटल के ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया या फिर आयरन ऑक्साइड हो गया जिसको हम रस्ट बोलते हैं, इनका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर। और एग्जांपल देखिए क्या बोले गए हैं, डस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, क्या कॉपर मेटल के ऊपर भी रस्टिंग होती है, क्या उसके ऊपर भी कोई लेयर बन जाती है हमारी। आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल, आपने देखा होगा जैसे घर पे हम जो बर्तन यूज़ करते हैं कॉपर के, उनके ऊपर थोड़ी सी हमारी एक ग्रीनिश कलर की कोटिंग आ जाती है, या फिर जैसे आपने रिंग वगैरह डाली हो कभी कॉपर की, तो जो रिंग डालते हैं उसके नीचे हमारा ग्रीनिश कलर जो आ जाता है उंगली के ऊपर, जहाँ पे भी आपने वो रिंग डाल रखी है, तो जो ग्रीनिश कलर आया है हमारा वो किस चीज़ का कलर है, वो एक्चुअल में कॉपर के ऊपर किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई है, रस्ट की फॉर्मेशन हुई है, और वो रस्ट का कलर हमें वहाँ पे नज़र आएगा। तो यहाँ पे चेक कीजिए कि एक्चुअल में होता क्या उस रस्ट के अंदर, किस चीज़ की रिएक्शन होगी हमारे कॉपर के साथ जब जाके वो रस्ट की फॉर्मेशन होगी। देखिए मैंने कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे कॉपर के बर्तन है या कोई भी चीज़ है कॉपर की, अगर उसको लंबे टाइम के लिए हम मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट का मतलब है जिस एयर के अंदर क्या है, नमी ज़्यादा है, उसके अंदर रखे रहेंगे, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी, एक डल ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी। और जो ये ग्रीन कलर की कोटिंग है एक्चुअल में है क्या, ये
इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देखिए CuOH होल ट्वाइस और कॉपर कार्बोनेट का CuCO3. तो जो हमारे पास ये जो इकट्ठा हो गया कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, एक्चुअल में क्या है ये जो ग्रीनिश कलर की जो कोटिंग है वो है ये, मतलब एक तरह से रस्ट है ये. किसका रस्ट? कॉपर मेटल का रस्ट. देख भी रखा होगा आपने ये रस्ट ग्रीनिश कलर का होता है. नेक्स्ट उसके बाद नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन. द ऐश ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजोल्व इन वाटर एंड टेस्ट फॉर इट्स एसिडिक एंड बेसिक नेचर. इसमें क्या करना है, इस एक्टिविटी में आपको बोला गया है आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको बर्न करना है और जो उसकी राख बनेगी, ऐश को हम क्या बोलते हैं, जो राख बनेगी जलाने के बाद, उसको आपको क्या कर लेना है, वाटर के साथ डिजोल्व कर लेना है. फिर आपने जो राख डाली है पानी के अंदर मैग्नीशियम रिबन की, उस सॉल्यूशन से आपको एसिड और बेस का टेस्ट करना है. आपको रेड लिटमस पेपर के साथ चेक करना है, आपको ब्लू लिटमस पेपर के साथ चेक करना है. और आपको पता है जो भी हमारे मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो होते हैं हमारे बेसिक ऑक्साइड. तो यहाँ पे कौन सा कलर चेंज आएगा, हमारा जो रेड कलर का लिटमस पेपर है वो किस कलर में चेंज नजर आएगा हमें, ब्लू कलर में. You must have observed that red litmus turn blue. Red litmus paper किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर में हो जाएगा. So the oxide of magnesium is also basic in nature. तो जितने भी ऑक्साइड हैं हमारे मेटल के, चाहे आयरन का ऑक्साइड हो, चाहे कॉपर का ऑक्साइड हो, चाहे कोई भी मेटल हमारे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो, किसी भी मेटल का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड हो, हर एक मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, हमारा बेसिक नेचर. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला इन एक्टिविटीज से, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है ये, मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर. हमने मेटल ऑक्साइड का नेचर तो चेक कर लिया, बेसिक है. अब हमें चेक करना है नॉन मेटल ऑक्साइड. जो नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगी तो उनके जो ऑक्साइड्स बनेंगे उनका नेचर एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा. तो चेक करते हैं इसको, एक एक्टिविटी से चेक करना है इसको भी आपको. एक्टिविटी में मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे कि स्पून नज़र आ रहा है, इस स्पून के अंदर आपको ये आपको स्पून नज़र आ रहा है, इस स्पून के अंदर आपको जो येलो कलर का जो सब्सटेंस नज़र आ रहा है ये है आपका सल्फर का पाउडर. और सल्फर क्या होती है, एक नॉन मेटल. क्या है ये, एक सल्फर का पाउडर है. सल्फर क्या है, आपकी नॉन मेटल है. आपको क्या करना है, इसको गर्म करना है. ठीक है, जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, हीट करोगे, हीट करने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करना शुरू कर देगा. मतलब ये सल्फर आपका स्पून के अंदर आपने इसको हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि हमारे एयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है और वो जल्दी से किसी ना किसी चीज़ के साथ रिएक्शन कर जाएगी. और जैसे इसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास एक गैस की फॉर्मेशन होगी और वो गैस कौन सी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस. जैसे ही ये येलो सब्सटेंस जो कि सल्फर है जलना शुरू करेगा, उसको हम क्या कर देंगे, इस कंटेनर के अंदर इसको हम डाल देंगे. दिख रहा है आपको ये कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर इसको हमें क्या करना है, डालना है. ये इसके अंदर आपको स्पून दिख रहा होगा ना, ये स्पून बर्निंग करते हुए उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे. ऊपर से जो ढक्कन है हमारा, जो लीड है, उसको हम कवर कर देंगे. अब जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है हमारी, वो कहाँ पे इकट्ठा हो गई होगी, इस कंटेनर के अंदर इकट्ठा हो गई होगी. इसको टम्बलर बोलते हैं, ग्लास टम्बलर है आपका ये, इसके अंदर इकट्ठा हो गई होगी. ढकने से फायदा क्या होगा कि गैस बाहर नहीं निकलेगी. फिर हमें क्या करना है, थोड़े टाइम के बाद इसके अंदर इसको लिड को हटा के हमें क्या डाल देना है, इसको वाटर ऐड कर देना है. वाटर ऐड कर, जैसे ही हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करते इसको लिड को हमें क्या कर देना है, फिर से ढक्कन को बंद कर देना है. फिर इसके अंदर क्या है, अब देखो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड तो था ही, इसके साथ हमने क्या डाल दिया है, वाटर को भी ऐड कर दिया है. जब जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और जो वाटर हमने ऐड किया है, जब वो एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो आपके पास बनेगा सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3. क्या नाम बोला मैंने, सल्फ्यूरस एसिड. और एसिड नाम बोल रही हूँ मैं, मतलब जो हमारा मेटल ऑक्साइड था वो किस नॉन मेटल ऑक्साइड था वो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का. सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. यहाँ पे देखिए आपको क्या बताया गया है, ये एक तरह का वही स्पून है जिसके अंदर सल्फर पाउडर डाला गया है. अगर आपको इस तरह का लैब के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये आप घर पे भी इस तरह का स्पून इसका आप बना सकते हो. जो हमारा ढक्कन है, किसी भी जो बोतल वगैरह है उसका यूज़ किया गया है, मेटल से इसको क्या कर दिया गया है, टाई कर दिया गया है और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, सल्फर पाउडर. मतलब यही शो किया गया है इस फॉर्म के अंदर आपका.
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिखाया है, बर्निंग ऑफ सल्फर पाउडर। जब यहाँ पे ये सॉल्यूशन बन जाएगा आपका बर्न करने के बाद, जब हमने पानी डाल दिया था सल्फर ऑक्साइड के अंदर, तो इसको हम क्या कर लेंगे, वॉच ग्लास के अंदर ले लेंगे। फिर इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे इसके ऊपर लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर में पता है आपको इसका कलर कैसा होगा, आपका रेड कलर आ जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर का रेड कलर क्यों आएगा, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को किस कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड कलर में। तो यहाँ पे हमने की है टेस्टिंग ऑफ द सॉल्यूशन विद द लिटमस पेपर। आप दोनों कलर के लिटमस पेपर डालेंगे, रेड भी डालेंगे ब्लू भी डालेंगे, और आपको चेक करना है किस कलर के लिटमस पेपर के अंदर चेंज आया है एसिड। कैसे कलर के लिटमस पेपर में चेंज हो जाते हैं, रेड कलर के लिटमस पेपर में ब्लू से रेड आ जाता है, और बेस में क्या आता है, ब्लू से आपका रेड से ब्लू आ जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। तो ये थी आपकी एक्टिविटी। इसके बाद देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड एंड बेस। आपको यहाँ पे एसिड और बेस के नाम लिखने हैं, और उसके अंदर आपको बताना है किसके अंदर कौन सा एसिड है, एसिड के अंदर कौन सी मेटल है, और कौन सी आपकी नॉन मेटल है। तो जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कौन सी मेटल है आपकी, कैल्शियम। इसको आपको फिल करना है, फिल करते हैं इसको हम। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिख दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आपको Mg नज़र आ रहा है, ये क्या है, हमारी मैग्नीशियम मेटल है। क्या है ये, मैग्नीशियम मेटल है। ये बेस है हमारा, ये भी क्या है, बेस है। इसी तरह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH होल थ्राइस, ये क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कौन सी हमारी मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस था, और बेस के अंदर कौन सी मेटल प्रेजेंट है, हमारी एल्यूमिनियम मेटल। इसी तरह हम और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड, LiOH होल थ्राइस। तो जो लिथियम LiOH ओनली ये आएगा इसका फॉर्मूला, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है इसके अंदर कौन सी मेटल है, हमारी लिथियम मेटल। तो यहाँ पे आपको और भी ट्राई करने, आपको कोई भी बेस लिखिए और उसके अंदर से मेटल फाइंड आउट कीजिए कि उसके अंदर कौन सी मेटल है। इसी तरह आपको एसिड के नाम लिखने हैं, और एसिड के अंदर आपको क्या चेक करना है, कौन सी नॉन मेटल है। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। H2SO4 के अंदर सल्फर क्या है, हमारी नॉन मेटल। क्या है इसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर हमारी क्या है, नॉन मेटल। उसके बाद है आपका HNO3, इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड। इसके अंदर नॉन मेटल कौन सी हमारी, HNO3 के अंदर नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल नाइट्रोजन। उसके बाद है H3PO4, ये है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरस इसके अंदर क्या है, हमारी नॉन मेटल। H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बन क्या है इसके अंदर, हमारी नॉन मेटल। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल लीजिए एसिड का और बेस का, और उसके अंदर से आपको सेपरेट करना है मेटल का नाम और नॉन मेटल का नाम। नेक्स्ट देखिए, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये बात कर चुके हैं हम, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगी, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगी, सल्फ्यूरस एसिड। और सल्फ्यूरस एसिड क्या करेगा, क्या कर देगा, कौन से लिटमस को कौन से लिटमस में चेंज करेगा, ये ब्लू कलर के लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देगा। यहाँ से जो कंक्लूजन निकला हमारा उस एक्टिविटी का, वो क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जो हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, और मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, हमारे बेसिक नेचर के। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेस यू हैव रीड। ये आपको यहाँ पे वही बोला गया है जो हमने टेबल 4.4 अभी फिल की है ना, तो इन्होंने यही बोला है कि आप कोई भी एसिड और बेस का नाम अपने लैब से आप चेक कीजिए, और उस लैब उस एसिड और बेस के अंदर जो भी आपकी मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट है उसका आपको नाम लिखना है। तो ये बोला आपको टेबल 4.4 के अंदर, फिल कर लिया ये हमने ऑलरेडी, ये हम फिल कर चुके हैं। उसके बाद देखना है आपका नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन विद वाटर। जो आपकी मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर से किस तरह रिएक्ट करती है, या कौन रिएक्ट करता है या कौन रिएक्ट नहीं करता है, इसकी बात की गई है।
सोडियम मेटल का नाम आप पहले इस चैप्टर में सुन चुके हो। सोडियम मेटल आपकी एक कैसी मेटल है, सॉफ्ट मेटल है, जिसको हम चाकू के साथ इजीली कट कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। इसको हम जैसे कि आयरन वगैरह, कॉपर वगैरह, गोल्ड हमारा रखा रहता है एटमोसफेयर के अंदर, इसको हम ऐसे नहीं रख सकते, इसको ओपन एयर के अंदर नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि ये रिएक्शन कर जाती है ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, वाटर के साथ, तो इसको कभी भी हम ओपन नहीं रखते। तो इसको कुछ ऐसी चीज़ के अंदर स्टोर करना पड़ेगा हमें, जिसकी वजह से ये उससे रिएक्शन ना करे। तो ऐसी चीज़ क्या है जिससे ये रिएक्शन नहीं करती? ये रिएक्शन नहीं करती ऑयल के साथ, ऑयल से ये रिएक्शन नहीं करेगी। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे हमेशा, जो आपकी सोडियम मेटल है, इसके अलावा आपकी पोटाशियम मेटल भी ऐसे ही है जो ज़्यादा रिएक्टिव है, इनको स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऑयल से कोई रिएक्शन नहीं करती। तो यही लिखा गया है यहाँ पे, चेक कर लीजिए। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, सो अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी और एकदम से क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। साइड में दिख रहा है आपको ये, इस एक्टिविटी के अंदर क्या बताया गया है? यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे ये आपका वाटर लिया गया है एक ग्लास कंटेनर के अंदर, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया है? एक सोडियम मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया है। जैसे ही सोडियम मेटल पानी के अंदर डलती है, वैसे आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रही है? आग नज़र आ रही है। तो क्यों आग लगी यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे किस तरह की रिएक्शन हुई? एक तरह की हीट निकलने वाली रिएक्शन हुई है, और हीट निकलने से क्या होगा? एकदम से यहाँ पे आग लग जाएगी सोडियम मेटल को। तो यहाँ पे इसलिए क्या किया जाएगा? इसको हमेशा कहाँ पे रखा जाएगा? सोडियम मेटल को कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है इसको। ये आपको इसी एक्टिविटी के बारे में बताया गया है, और ये बोला गया है स्पेशली कि जो ये एक्टिविटी है स्कूल में आपको टीचर करके दिखाएंगे, और इसमें आपको क्या करना है? एक छोटी सी आपको मेटल लेनी है। कौन सी मेटल? सोडियम मेटल। छोटा सा पीस लेना है उसका, कितना पीस? जितना कि आपके गेहूं का दाने का पीस होता है ना, उतना पीस लेना हमें। और उसको क्या करना है? ये ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्शन हमें करके चेक करनी है। तो देखिए क्या लिखा गया है, टेक अ 250 ml बीकर, एक बीकर लेना है जो कि अभी मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर पानी डला हुआ है, पानी डालना है, छोटा सा पीस डालना है उसमें सोडियम मेटल का। और जैसे ही आप सोडियम मेटल का पीस उसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा? एकदम से आपको वहाँ पे आग नजर आएगी, और आग लगी है तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। तो इस तरह से इसको हैंडलिंग क्या करते हैं हम? बहुत ही ध्यान से हैंडल करते हैं इस तरह के मेटल्स को। अब आपको क्या करना है, जैसे ये आग बुझ जाएगी, आग बुझने के बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल के यहाँ से आप लिटमस पेपर से इसका कलर चेक करेंगे। अगर आपका रेड कलर से ब्लू कलर आएगा तो बेसिक नेचर होगा, और ब्लू से रेड आएगा तो आपका एसिडिक नेचर होगा। और आपको पता ही है मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है आपका बेसिक नेचर, ये है ना आपका सोडियम ऑक्साइड। अगर इसको हम लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो ये हमें कैसा कलर देगा? यहाँ पे हमारा कलर आ जाएगा रेड से ब्लू, लिटमस का पेपर का कलर चेंज आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कैसा नेचर है यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का? बेसिक नेचर। और जो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, जो यहाँ पे बना है हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड का नेचर भी कैसा होगा? हमारा बेसिक नेचर, क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? एक्चुअल में बेसिक होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया NaOH, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेसिक तो है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपकी? मेटल प्रेजेंट है, सोडियम। और मेटल का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर। नेक्स्ट चेक कीजिए, उसके बाद क्या है आपका, इसमें कंक्लूजन बताया गया होता क्या है। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम मेटल रिएक्ट वाइग्रेसली विद वाटर, वाटर से बहुत जल्दी रिएक्शन करती है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, और जो हमारे सारी मेटल्स है वो इतनी जल्दी से रिएक्शन नहीं करती हैं वाटर के साथ। जैसे कि आप लोहा ले लीजिए, लोहा रिएक्शन करेगा पानी के साथ, लेकिन बहुत धीरे धीरे वो रिएक्शन करता है। जनरली नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद वाटर, थ्रो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। अब देखो यहाँ तक तो हमने मेटल्स के बारे में कर लिया है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं, मेटल वाटर से रिएक्शन करती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बात की कि जो हमारी नॉन मेटल्स हैं वो किससे रिएक्शन नहीं करती? वाटर से रिएक्शन नहीं करती हैं वो, और किसके साथ रिएक्शन कर जाती है? वो एयर से रिएक्शन कर जाएंगी, लेकिन वाटर से रिएक्शन नहीं करती हमारी नॉन मेटल। तो इसलिए नॉन मेटल को कहाँ स्टोर करें हम? पानी में स्टोर करें या वो उसके अंदर एयर के अंदर स्टोर करें? देखो एयर से तो वो रिएक्शन कर जाएंगी, और पानी से वो कभी रिएक्शन ही नहीं करती हैं। तो नॉन मेटल को स्टोर कहाँ पे किया जाता है? पानी के अंदर। मेटल को कहाँ पे स्टोर किया जाता है? जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उनको स्टोर किया जाता है ऑयल के अंदर,
और नॉन मेटल को कहाँ स्टोर किया जाता है, वाटर के अंदर, क्योंकि नॉन मेटल चाहे कितनी भी रिएक्टिव नॉन मेटल हो वो कभी भी वाटर से रिएक्शन नहीं करेगी। तो ध्यान से एक बार चेक करना है, यहाँ पे एक नॉन मेटल है जिसके बारे में बोला गया है यहाँ पे, फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेज फायर एक्सपोज टू एयर, जैसे इसको हम ओपन एयर के अंदर रखते हैं तो आग लग जाती है इसके अंदर। इसलिए क्या किया जाता है, जो फॉस्फोरस है उसको आग लगने से बचाने के लिए उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, इट स्टोर्ड इन वाटर। कहाँ पे स्टोर किया जाएगा इसको, वाटर के अंदर, ताकि इसका डायरेक्ट ऑक्सीजन से कंटेक्ट हम तोड़ सकें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद एसिड्स और रिएक्शन विद बेस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और उसके बाद है आपका यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नेम इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 8 क्लास का चैप्टर है ये। इसकी हम पहली दो वीडियो डाल चुके हैं जिसके अंदर आपको देख लेना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बता चुके हैं उन वीडियोस के अंदर। और अभी हम करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट हमारा बचा हुआ है, एसिड के साथ रिएक्शन, बेसिस के साथ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हमारी मेटल और नॉन मेटल का हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका रिएक्शन विद एसिड, किसकी रिएक्शन, मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन। तो करना क्या है इसमें आपको, यहाँ पे देखिए एक्टिविटी बताई गई है आपको। एक्टिविटी के अंदर क्या करना है आपको, कुछ एक सैंपल लेने हैं मेटल और नॉन मेटल के, जैसे कि टेबल 4.5 के अंदर आपको बताया गया है। देखिए आपको क्या दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया है, एल्यूमिनियम दिया गया है, आयरन फिलिंग दी गई है, कॉपर आपको वायर से जो पिल्ड फ्लेक्सिबल फोम है वो दिया गया है, चारकोल पाउडर दिया गया है, सल्फर पाउडर दिया गया है। आपको इन सभी मटेरियल्स को लेना है, इसमें से कुछ एक आपकी मेटल्स हैं और कुछ एक आपकी क्या है नॉन मेटल्स हैं। आपको इनकी रिएक्शन चेक करनी है किस किस के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मतलब एक बार आपको मैग्नीशियम मेटल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करना है, फिर जो दूसरा पीस है मैग्नीशियम मेटल का उसके साथ आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करना है। फिर आपको चेक करना है कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी या जब हम इसको रिएक्शन मिक्सचर को कुछ वार्म अप कर देंगे, कुछ गर्म कर देंगे, तब जाके हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। तो देखिए आपको यही बताया गया है, हमारी बहुत सारी मेटल ऐसी मेटल्स होती हैं जो कि कोल्ड सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन कर जाएगी। जैसे कि मान लिया हमने ले लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हमारी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो जल्दी से रिएक्शन कर जाएगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। लेकिन अगर हमारी मेटल कम रिएक्टिव है तो हमें सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, एसिड और जो मेटल का सॉल्यूशन है उसको हमें गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगी हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो इसके अंदर चेक कीजिए आप मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल और जो आयरन मेटल है, ये क्या कर जाएंगी आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएंगी। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करेंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी करेंगी। लेकिन जो आपकी कॉपर मेटल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जो कॉपर मेटल है वो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, तो इसलिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। उसके बाद आपका जो चारकोल पाउडर है और जो सल्फर पाउडर है, ये हैं आपकी नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स कभी भी एसिड से रिएक्शन नहीं करती। तो आप यहाँ बताएंगे कि जो आपकी ये नॉन मेटल्स हैं, ये और ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगी। नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद एसिड। यहाँ पे भी रिएक्शन होगी आपकी, यहाँ पे भी रिएक्शन होगी, यहाँ पे भी रिएक्शन होगी, लेकिन जो कॉपर मेटल है वो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन शो नहीं करेगी। लेकिन कौन से एसिड से रिएक्शन शो करेगी, आपके सल्फ्यूरिक एसिड से। यहाँ पे भी रिएक्शन होगी आपकी, यहाँ पे भी रिएक्शन होगी, यहाँ पे भी। यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा, आप जब रिएक्शन मिक्सचर को जो ठंडा है रूम टेम्परेचर पर है वहीं पर आपकी रिएक्शन प्लेस हो जाएंगी, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, तब जाके आपका आयरन उससे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अब देखिए इसके बारे में क्या बोला गया है, इज देयर इज डिफरेंस इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या कोई ऐसा वे है जिससे आप बता पाएंगे कि मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाती हैं और नॉन मेटल से जब रिएक्शन होगी क्या होगा। आपको पता है ये नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन नहीं करती हैं। और ध्यान देना अब आपको, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊँगी यहाँ पे, जैसे कि हमने ले लिया है यहाँ पे मेटल, मैग्नीशियम मेटल ले लिया है,
मैग्नीशियम मेटल ही है। इसकी हमें रिएक्शन किसके साथ करवानी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा MgCl2, और साथ में एक गैस निकलती है। ध्यान रखेंगे आप कौन सी गैस है ये आपकी, हाइड्रोजन गैस। क्या नाम है गैस का, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस क्या है, काफ़ी इनफ्लेमेबल गैस है जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। और इसकी एक खासियत क्या है, ये पॉप साउंड के साथ जलती है। पॉप साउंड मतलब इसमें विस्फोट होता है, जब ये गैस जलती है तो इसमें धमाका होता है इस गैस के जलने के टाइम पे। तो यहाँ से देखिए आप, अ पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी टेक अ बर्निंग मैस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जिस भी कंटेनर में या जिस भी टेस्ट ट्यूब में हमने इन दोनों को मिक्स किया है, मेटल और एसिड को, तो वहाँ पे अगर हम बर्निंग जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे या माचिस की तिल्ली लेके जाएंगे, तो वहाँ पे जो माचिस की तिल्ली है वो पॉप साउंड के साथ जलेगी। क्यों जलेगी, क्योंकि कौन सी गैस रिलीज हुई है, जब एसिड और मेटल रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस किस साउंड के साथ जलती है, पॉप साउंड के साथ। आगे देखिए, उसके बाद नॉन मेटल्स रिएक्ट डोंट रिएक्ट विद एसिड। आपको जैसे मैं बता चुकी हूँ, जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो किससे रिएक्शन नहीं करती, एसिड से रिएक्शन नहीं करती। और एसिड से वो रिएक्शन नहीं करेंगे तो कोई हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होगी। लेकिन जो मेटल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की साउंड कैसी होगी, पॉप साउंड। और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से एक फैक्ट है आपका, कि जो कॉपर मेटल है, मैंने बताया था अभी पीछे आपको, वो रिएक्शन नहीं करती किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इवन ऑन हीटिंग, अगर उसको हम गर्म भी कर दें रिएक्शन मिक्सर को, तो भी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। लेकिन किसके साथ रिएक्शन करेगी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये हमने बात की यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। अब नेक्स्ट है इसमें हमारा बेसिस के साथ। बेस जैसे कि NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो उसकी रिएक्शन हमें देखनी है एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो सबसे पहले इन्होंने यही बोला आपको कि जो आपकी मेटल्स हैं वो किससे रिएक्ट करती हैं, बेसिस से रिएक्शन करती हैं। और बेसिस से रिएक्शन करने के बाद वो क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस। जो इंपॉर्टेंट है वो ही मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, मेटल्स रिएक्ट विद, ऊपर क्या था हमने एसिड्स, अभी हम कर रहे हैं बेसिस। मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल बेस से रिएक्शन करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कर, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करती हैं। बट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। जो नॉन मेटल की रिएक्शन है बेस के साथ वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम, जैसे हमने यहाँ पे नॉन मेटल ले ली है, सॉरी मेटल ले लिया है, यहाँ पे हमने ले लिया है मैग्नीशियम, सेम मेटल ले लिया है। इसकी रिएक्शन हमने करवाई है किसके साथ, मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि बेस है हमारा। या फिर किसी भी आप कोई भी आप मेटल और बेस की सारी रिएक्शन आप अपने आप से करवा सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपके हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। तो चेक कीजिए उसके बाद आपका रिएक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे ली है जिंक मेटल ले ली है, उसकी रिएक्शन करवाई है मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो फॉर्मेशन किसकी चीज होगी यहाँ पे, Na2ZnO, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, आपकी हाइड्रोजन गैस। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब आपके बेस मेटल से रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होगी, आपकी हाइड्रोजन गैस। और साथ में क्या बनेगा, आपका सोल्ट बनेगा। क्या नाम है इसका, सोडियम जिंकेट। नेक्स्ट है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस, डिस्प्लेस मतलब प्लेस में चेंज आ जाना। और प्लेस किसका चेंज होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो किसका प्लेस चेंज कर लेगी, लेस रिएक्टिव मेटल का। एग्जांपल से समझ आ जाएगा आपको ये। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म इन क्लास सेवन। क्लास सेवन में कर चुके हो आप एक्टिविटी है, जिसके अंदर क्या करना है आपको, कॉपर जो मेटल है उसकी आपको रिएक्शन करवानी है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की आपको रिएक्शन करवानी है। किस मेटल के साथ, आयरन मेटल के साथ। अब आपको पता है आयरन और कॉपर में से आपकी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी, आपकी आयरन मेटल। एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसको आपको मैं डाल दूंगी वीडियो के अंदर, दूसरी वीडियो डाल दूंगी उसकी, तो जिसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बताया गया है कि कौन सी मेटल कौन सी रिएक्टिविटी के अंदर आती है, उसको ईजिली हम कैसे याद करें, तो वहाँ से लर्न कर लेना आप इसको। तो देखिए उसके बाद क्या है आपका, टेक अ 500 ml बीकर एंड लेबल ABCDE।
आपको 5 बीकर लेने हैं 100 100 ml के, और उसमें से आपको क्या करना है, हर एक बीकर के अंदर आपको 50 ml आपको वाटर डाल देना है। डिजोल इन ईच बीकर ए टी स्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन द फिगर 4.6A। जैसे कि आपको 4.6A के अंदर बोला गया है, वो आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर मिक्स कर देना है। देखिए आप, ए क्या है आपका, जैसे कि फर्स्ट बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट, दूसरे बीकर के अंदर भी कॉपर सल्फेट, थर्ड बीकर के अंदर जिंक सल्फेट, फोर्थ बीकर के अंदर आयरन सल्फेट, और फिफ्थ बीकर के अंदर आपका जिंक सल्फेट। और जो बी आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट बीकर में क्या डाला गया है, जिंक मेटल डाली गई है, सेकंड बीकर में आयरन मेटल, थर्ड बीकर में कॉपर मेटल, फोर्थ बीकर में भी कॉपर मेटल, और फिफ्थ बीकर में आयरन मेटल। तो आपको बताया गया है इसके अंदर हमें दो चीज़ें डालनी है, एक तो हमें वो लेना है, जैसे कि साल्ट लेना है कॉपर सल्फेट का या आयरन सल्फेट का, जो भी बोला गया उसी के अकॉर्डिंग हमें मिक्स करना है, और उसके बाद हमें क्या करनी है, रिएक्शन चेक करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो पाँचों बीकर आपको ऊपर नजर आ रहे हैं उनके कलर को चेक कीजिए, आप कलर चेक किया आपने, और जो नीचे आपको फिर से आपके जो 5 यही बीकर हैं, पहले तो हम इसके अंदर क्या लिए रखा है, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन ले रखा, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया बी के अंदर, सी के अंदर आपका जिंक सल्फेट हो गया, या फिर डी के अंदर आपका आयरन सल्फेट हो गया, सॉल्यूशन ले रखे हैं इसमें। दूसरे में अंदर हमने क्या कर रखा है, इनके अंदर हमें जो भी इन्होंने मिक्स करने के लिए बोला है, यहाँ से चेक कीजिए, फर्स्ट बीकर में जिंक बोला है, सेकंड में आयरन बोला है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने मिक्स कर दिया यहाँ पे। तो किस किस बीकर के अंदर आपको कलर के अंदर चेंज नजर आ रहा है, देखिए फर्स्ट ए और बी, ए और बी में देखिए आप दोनों कलर में क्या नजर आया आपको, चेंज नजर आया। यहाँ पे देखिए जो ब्लूइश कलर है वो लाइट हो गया है, और जो बी बीकर है उसके अंदर जो ब्लूइश कलर है वो किस में चेंज हो गया है, ग्रीनिश कलर के अंदर। लेकिन जो लास्ट के 3 बीकर है सी डी और ई, नीचे भी देखिए आपको जैसा कलर ऊपर था वैसा ही कलर आपको यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि कुछ एक का कलर चेंज हो गया है और कुछ एक सॉल्यूशन में हमारा कलर चेंज नहीं हुआ है। बेसिक यहाँ पे क्या है कलर चेंज होने का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जब एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल के साल्ट के साथ रिएक्शन करेगी, तो वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी और उसका जो आयन है उसके साथ खुद से जुड़ जाएगी। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको हम, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, इसका कलर देखिए कैसा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का ब्लू कलर दिखाया गया आपको। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, कौन सी मेटल डाल दी है, जिंक मेटल, जिंक ग्रेन्यूल डाल दिए हैं। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन। देखिए जो जिंक है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, ये कॉपर कम रिएक्टिव मेटल है, इसके जो सल्फेट आयन है इसके सल्फेट आयन के साथ खुद जुड़ जाएगा, जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब कॉपर को सल्फेट से हटा देगा। तो जब ज़्यादा पावरफुल किसी वीक को उसके प्लेस से चेंज करवा देगा और उसके प्लेस पे खुद आ जाएगा, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, प्लेस को चेंज कर दिया गया है। किसने चेंज किया है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ने, और किसको डिस्प्लेस किया है, कम रिएक्टिव मेटल को। देखो अब इसी रिएक्शन को इस तरह से करती हूँ, जैसे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बने थे, एक तो मेरे पास आया था जिंक सल्फेट और दूसरा क्या है, कॉपर। जो प्रोडक्ट है ये यूज़ कर रही हूँ मैं। अब देखिए क्या यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी हमारी, अब देखो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ये अपने सल्फेट आयन को कॉपर को डोनेट नहीं करेगा, डिस्प्लेस नहीं करवाने देगा ये, तो ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे आपको कलर के अंदर कोई चेंज नज़र नहीं आया है वहाँ पे आपकी कोई रिएक्शन नहीं हुई है, और जहाँ पे आपको कलर के अंदर चेंज नज़र आया है वहाँ पे आपकी कौन सी रिएक्शन हुई है, वहाँ पे आपकी हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बीकर ए के अंदर, बीकर बी के अंदर आपकी हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और बीकर जो आपका सी डी और ई है वहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई है। देखो कि जनरल सी हम जो कॉमन लाइफ है, जो डेली लाइफ है उससे आप कर लो, मान लिया कोई एक पावरफुल आदमी है, तो क्या वो अपने सराउंडिंग में जो वीक आदमी है उसको अपने पास कुछ एक्स्ट्रा रखने देगा, नहीं रखने देगा, वो क्या कर लेगा, उसके पास जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको वो छीन लेगा वो, क्योंकि उसकी पावर क्या है, ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा पावरफुल है वो जो कम पावरफुल आदमी है, जो वीक पर्सन है, उसको वहाँ पे जो भी उसके पास एक्स्ट्रा जो भी सामान है या कोई भी चीज़ लगा लीजिए आप, उसको अपने पास नहीं रखने देंगे।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल के क्या यूज हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर, ये आपको सारा वही बताया गया है कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है। यू शुड बी एबल टू गैस व्हाई मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर एक्सेट्रा। आपको पता ही है हम कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म के अंदर कोई ना कोई मेटल या नॉन मेटल को यूज़ हम करते हैं। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूज ऑफ सम नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स के यूज़ को भी पता है आपको, जैसे ऑक्सीजन गैस है सांस लेने के लिए यूज़ करते हो आप, कार्बन है हमारे फूड वगैरह के अंदर कितना सारा कार्बन प्रेजेंट है, खाने के काम आता है वो हमारे। तो अब यही बताया गया आपको कि आपको चेक करना है, यहाँ पे आपको गैस करना है और आपको यहाँ पे आंसर भी देना है कि यहाँ पे कौन सी मेटल होगी आपकी और कौन सी नॉन मेटल होगी। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो आपको आंसर देना है इसका, कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है और जिसका यूज़ हर कोई जो भी जीवित प्राणी है वो उसको सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। सभी को पता है कौन सी गैस होती है, वो ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस एक नॉन मेटल है जिसका यूज़ हम क्या जितने भी लिविंग थिंग है हमारे अर्थ के ऊपर वो उसका यूज़ किस में करते हैं, सांस लेने के लिए। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अभी हमने पीछे किया था कि एक ऐसी नॉन मेटल है जिसको पानी के अंदर स्टोर करते हैं, तो वही नॉन मेटल आंसर आएगा यहाँ पे, कौन सी नॉन मेटल है जिसको हम पानी के अंदर स्टोर करते हैं और वो एज अ फर्टिलाइजर भी यूज़ की जाती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, और नहीं तो इसका आंसर मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगी भी, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई करेंगे इसका आंसर। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, क्लोरीन आपकी एक नॉन मेटल है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर जो भी जम्स वगैरह है उसको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या नाम है उस नॉन मेटल का, क्लोरीन नॉन मेटल। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड ऑन द वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक। ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जिसका यूज़ करते हैं हम क्या करने के लिए, जो भी हमें वाउंड वगैरह हो जाते हैं, जो भी चोट लग जाती है, जो घाव हो जाते हैं, घाव के ऊपर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी जो इन्फेक्टिंग एजेंट है वो वहाँ पर अपनी ग्रोथ ना करे, तो कौन सी नॉन मेटल यूज़ की जाती है और पर्पल कलर की होती है वो नॉन मेटल, ये होती है आपकी आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसको कहाँ पे लगा दिया जाता है, घाव वगैरह के ऊपर लगा दिया जाता है। और देखा भी होगा डॉक्टर कई बार आपके जो पर्पल से कलर की जो दवाई लगाते हैं वो क्या होती है आपकी नॉन मेटल ही होती है, नाम क्या है उसका, आयोडीन। नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर, ऐसे कौन से नॉन मेटल है जिसका यूज हम क्रैकर्स में करते हैं। देखिए आपको पता है हाइड्रोजन आपकी एक नॉन मेटल है और जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, आपकी पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, क्रैकर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपकी जो सल्फर वगैरह है, जो फॉस्फोरस है, उसका यूज़ भी करते हैं हम क्या बनाने के लिए, क्रैकर्स बनाने के लिए। You may add some more uses of metal and non-metal from your experiences. आपको अपने experiences से भी कुछ हो metal और non-metal के अपने आप से try करने हैं, क्या करना उसके uses आपको लिखने हैं। उसके बाद पहेली और पूजो देखिए क्या बोल रहे हैं, पहेली क्या बोल रही है यहाँ पे, I hear that magnesium is found in plants. In what form it is found in them? पहेली बोल रही है कि मैंने सुना है कि प्लांट्स के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होती है, तो वो मैग्नीशियम कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप जानते होंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने किया होगा, प्लांट्स क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब उनके अंदर कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, मैग्नीशियम मेटल। तो प्लांट के कहाँ पे मिलता है हमें मैग्नीशियम मेटल, क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आपका, द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी, वेयर इज आयरन इन माय बॉडी। तो इन्होंने बोला है कि डॉक्टर ने बोला है कि मेरी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो गई है, तो मेरी बॉडी में आयरन कहाँ है, किस पार्ट के अंदर है, मुझे तो नहीं पता इसका। आपको पता होगा जो आपके ब्लड सेल है, ब्लड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपकी एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होती है, और जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका आयरन प्रेजेंट होता है। तो कहाँ प्रेजेंट हुआ हमारे बॉडी के अंदर आयरन, हमारे ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर भी कहाँ पे, ब्लड की जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन उसके अंदर प्रेजेंट है हमारा क्या चीज, हीमोग्लोबिन में जो आयरन एलिमेंट है वो।
उसके बाद नेक्स्ट आपका सेवन्थ क्लास में आपने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जब कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, जैसे दूध से दही का बनना, पेपर का जलना, ये सारे कैसे हैं हमारे, ये हमारे केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं इनको, केमिकल चेंजेस भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे एक बार इसके बारे में रीड कर लेंगे। इसमें आपको बताया गया है कुछ एक मेटलॉइड्स के बारे में भी, क्योंकि चैप्टर का नाम मेटलॉइड्स नहीं है, मेटलॉइड्स में आएगा आपका मेटल्स और जो नॉन मेटल्स की जो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। उसके बाद कीवर्ड्स ट्राई करेंगे आप इस चैप्टर के, और जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है लास्ट में क्या क्या आपने लर्न किया है, क्या क्या रीड किया है इस चैप्टर से, एक बार वो देख लेंगे आप। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 4। चैप्टर नेम इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का चेक कीजिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इन टू थिन शीट्स। आपको पता है जो थिन शीट्स हैं वो किसकी बनाई जा सकती हैं, मेटल्स की ही बनाई जा सकती हैं, किसी भी नॉन मेटल की थिन शीट्स नहीं बनाई जाएंगी। तो इसमें से आपको चेक कीजिए कौन सी मेटल गिवन है, वही आपका आंसर होगा। जिंक है, फॉस्फोरस है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो मेटल कौन सी है यहाँ से, जिंक। तो जिंक की क्या बनाई जा सकती हैं, थिन शीट्स। तो लिखा हुआ आंसर में चेक कीजिए, एज जिंक इज अ मेटल एंड मेटल हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ मिलिएबिलिटी, रेस्ट ऑफ दीज आर नॉन मेटल्स। इसमें से जो मेटल है वो जिंक ही है और उसी के अंदर मिलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है, और बाकी जो सब आपके फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे किसके एग्जाम्पल, आपके नॉन मेटल्स के। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है आपकी ठीक है। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, क्या सारे की सारी मेटल्स की हम तार बना सकते हैं। देखिए, कॉपर मेटल, आयरन मेटल, सिल्वर मेटल, गोल्ड मेटल, इनकी तारें बनाई जा सकती हैं, लेकिन जो आपकी मरकरी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर है उसकी हम वायर नहीं बना सकते। तो ऑल तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स तो डक्टाइल होती ही नहीं है, तो ये तो कैसे ठीक होगा। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सामान्य जो मेटल्स होती हैं, ज़्यादातर जो मेटल्स है वो क्या होती हैं, डक्टाइल होती है। ये है आपका राइट आंसर। सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, नहीं, कोई भी मेटल नॉन मेटल डक्टाइल नहीं है। तो आंसर देखिए आपका क्या है, यहाँ पे सी है आपका आंसर, मेटल आपकी क्या होती हैं, जनरली डक्टाइल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिलिप्स हैं आपके फॉस्फोरस। एज यू नो, फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल, और कैसे नॉन मेटल है, जिसको हम पानी के अंदर स्टोर करते हैं, और ये पानी के अंदर क्यों स्टोर की जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। बी पार्ट, मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश, यू नो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे मेटल्स हैं उनके अंदर आराम से हीट पास हो जाती है और बिजली भी आराम से पास हो जाती है। आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर, जो आयरन मेटल है वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस, पता ही आपको पॉप साउंड वाली गैस बनती है, और पॉप साउंड कौन सी गैस की होती है, हाइड्रोजन गैस की। तो मेटल एसिड से रिएक्शन करके कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस। स्टेटमेंट चेक कीजिए, ट्रू फॉल्स फिल करना है आपको। ए पार्ट, जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, क्या हमारे नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन करती हैं, नहीं करती हैं, कोई भी नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि उन्होंने बोला करती हैं, इसलिए आ जाएगा आपका फॉल्स। सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, पता है आपको सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है आपका केरोसिन ऑयल के अंदर। सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे क्या आपकी ज़्यादातर रिएक्टिव मेटल्स है। तो क्या आएगा इसका आंसर, ट्रू। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन, क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, नहीं कर पाएगा वो उसको डिस्प्लेस, क्योंकि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है। तो इसमें आ जाएगा आपका फॉल्स। कोल कैन बी ड्रोन इन टू वायर्स, जो कोयला है क्या उसकी हम तारे बना सकते हैं, देखा आपने कभी कोयले की कोई तार वगैरह देखी हो, नहीं, इसकी कोई भी वायर्स नहीं बना सकते, क्योंकि कोल एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल्स के अंदर डक्टाइल प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फॉल्स। क्वेश्चन 5, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। आपको कुछ एक प्रॉपर्टी दी गई है, मेटल्स और नॉन मेटल की इन प्रॉपर्टीज को आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले देखिए, अपीयरेंस,
हार्डनेस, मिलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हीट कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पता ही होगा आपको मेटल्स क्या होती हैं, लश्रस होती है अपीयरेंस के अंदर, और नॉन मेटल की अपीयरेंस कैसी होती है, डल। जैसे गोल्ड है आपका लश्रस है, और जो आपका जैसे कि आयोडीन, क्या नाम है आपके नॉन मेटल्स में, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, वो क्या है आपकी, डल है। मेटल्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं हार्डनेस के अंदर, और नॉन मेटल कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। मिलिएबिलिटी में मेटल्स मिलिएबल होती हैं, चदरें बनाई जा सकती हैं मेटल्स की, और नॉन मेटल्स मिलिएबल नहीं हैं। डक्टिलिटी में मेटल्स डक्टाइल हैं, वायर्स बनाई जा सकती हैं मेटल्स की, लेकिन नॉन मेटल्स की हम वायर्स नहीं बना सकते। हीट कंडक्शन, गुड कंडक्शन होता है हीट का मेटल्स के अंदर, और नॉन मेटल्स के अंदर हीट का कंडक्शन नहीं होता। सिक्स पॉइंट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, लेकिन नॉन मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसलिए जो हम घर पे फिटिंग करवाते हैं ना, जो वायरिंग करवाते हैं, उसमें जो सारी फिटिंग होती है वो किस चीज़ की होती है, आपकी कॉपर मेटल की, क्योंकि मेटल क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन के अंदर क्या आपको रीजंस देने हैं, चार क्वेश्चन है। फर्स्ट देखिए, ए है आपका, एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम। जो भी खाना वगैरह हम पैक करते हैं, या होटल वगैरह से खाना जो हम पैक करवा के लेके आते हैं, ज़्यादातर जो हमारा खाने की जो पैकिंग है वो किसके अंदर की जाती है, एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर। क्यों? क्योंकि एक तो एल्यूमिनियम की बहुत ही पतली चादर बनाई जा सकती है, आपने देखा होगा ना घर पे भी हम फॉयल यूज़ करते हैं, तो कितनी पतली चादर होती है वो एल्यूमिनियम मेटल की। इसके अलावा इट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, पता ही आपको पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। और इसके अलावा और क्या फ़ायदा है कि ये हमारे खाने से रिएक्शन नहीं करती, और हमारा जो खाना है इसके अंदर कैसा रहेगा, इसके अंदर हमारा खाना सेफ रहेगा, मॉइस्चर फ्री रहेगा, और जो ताजगी है हमारे खाने की वो बनी रहेगी। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं फूड आइटम्स को रैप करने के लिए। नेक्स्ट है, इमर्सन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। जैसे आप पानी वगैरह को गर्म करते हो, लिक्विड को गर्म करते हो, तो जो उसके अंदर आप रोड डालते हो, पानी का जो, पानी को गर्म करने के लिए जो रोड यूज़ करते हैं हम, तो वो मेटल्स की बनी होती हैं, नॉन मेटल्स की नहीं बनी होती हैं। तो इन्होंने यही पूछा है मेटल्स की क्यों बनी होती है, क्योंकि मेटल के अंदर से क्या पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, हीट पास हो जाती है। इसलिए जो ये रोड है ये लिक्विड्स को जो गर्म करने के काम आती हैं वो किस चीज़ की बनी होंगी, आपके मेटेलिक सब्सटेंस की। कॉपर कांट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। कॉपर है, जिंक को उसके साल्ट सॉल्यूशन से वो डिस्प्लेस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो आपका कॉपर मेटल है वो जिंक से कम रिएक्टिव है, और कम रिएक्टिव मेटल, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, उसके साल्ट सॉल्यूशन से उसके साल्ट्स को डिसोशिएट नहीं कर पाएगा। इसलिए कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा जिंक को फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। कैरोसिन होता है आपका मिट्टी का तेल, जो सोडियम मेटल है और पोटाशियम मेटल है उसको स्टोर करने के लिए हम मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, पता से चल ही गया होगा आपको, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है सोडियम और पोटाशियम, और ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। इनको अगर खुले में हवा में रखा जाए और पानी के अंदर रखा जाए, ये रिएक्शन कर जाएंगी। तो पानी और हवा से इनकी रिएक्शन को बचाने के लिए, कट ऑफ करने के लिए, इनको किन के अंदर स्टोर किया जाता है, कैरोसिन ऑयल के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। क्या आपने घर पे चेक किया होगा कि जो हम अचार वगैरह रखते हैं वो किस चीज़ के अंदर स्टोर करते हैं, किसी मेटेलिक कंटेनर में स्टोर करते हैं या प्लास्टिक और ग्लास वगैरह में स्टोर करते हैं। हमने देखा होगा कि ज़्यादातर जो हम जो स्टोरेज करते हैं अपने अचार की, वो की जाती है एक तो नॉन मेटेलिक कंटेनर्स में, जैसे कि प्लास्टिक के अंदर कर दिया हमने, या फिर कांच के अंदर हमने कर लिया है स्टोर। कभी भी हम मेटेलिक कंटेनर्स के अंदर पिकल को स्टोर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जैसे कि आपको पता है हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी है मेटल्स की एसिड के साथ, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएंगी और क्या बना देती हैं, वो पॉइजनस साल्ट की फॉर्मेशन करती हैं, और वो पॉइजनस साल्ट क्या करेगा, फिर हमारी हेल्थ के ऊपर बैड इफेक्ट डालेगा। तो इसलिए कभी भी जो हमारे अचार हैं, पिकल हैं, उनको स्टोर करने के लिए हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल या कोई भी और मेटेलिक यूटेंसिल का हम यूज़ नहीं करेंगे। और कौन सी गैस बनती है जब एसिड मेटल से रिएक्शन करती हैं, हाइड्रोजन गैस। और पिकल क्या हो जाएगा हमारा, ख़राब हो जाएगा, किसकी वजह से, जो हमारी रिएक्शन हुई है मेटल के साथ उसकी वजह से।
टेबल देखिए, टेबल के अंदर आपको मैचिंग करनी है, कॉलम ए दिया गया है और कॉलम बी दिया गया है आपको। तो चेक कीजिए सबसे पहले जो गोल्ड है, गोल्ड मेटल आपकी कहाँ पे यूज़ की जाएगी, ज्वेलरी बनाने के लिए, तो गोल्ड की मैचिंग करेंगे आप ज्वेलरी के साथ। आयरन, आयरन मेटल का यूज़ किया जाता है मशीन पार्ट बनाने के लिए, मशीनरी में यूज़ करते हैं हम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल आपकी यूज़ की जाएगी फॉर रैपिंग द फूड, फूड को रैप करने के लिए, फूड को पैक करने के लिए। नेक्स्ट आपका कार्बन, कार्बन नॉन मेटल है और इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, एज अ फ्यूल, जैसे कि हम यूज़ करते हैं ना डीजल वगैरह, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पेट्रोल, उसके अंदर होगा आपका कार्बन। कॉपर, कॉपर एक मेटल है आपकी, और कैसी मेटल है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है और हीट भी है, ये जल्दी से गर्म हो जाएगी, जल्दी से खाना पक जाएगा इसके अंदर, और जल्दी से इसके अंदर से बिजली भी पास हो जाएगी। तो इसलिए इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए, जो हम कॉपर वायर बनाते हैं ना वो इसलिए बनती हैं क्योंकि ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखिए मरकरी, मरकरी को हम कहाँ डालते हैं, मेटल है मरकरी, लिक्विड मेटल है, इसको हम फिल करते हैं थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर को चेक करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा, ए पार्ट गिवन है, बी पार्ट गिवन है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट है आपके पास, कॉपर मेटल है और उसके ऊपर आपने क्या डाल दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है। पता ही आपको, एसिड और मेटल को इकट्ठा करोगे तो रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो यही बताना है आपको। कॉपर मेटल दिखाई गई है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये है हो गया आपका कॉपर मेटल, जो कॉपर प्लेट है ये सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्शन करके क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट, जो कि एक साल्ट है, और साथ में जो पॉप साउंड वाली गैस है वो कौन सी गैस है आपकी, हाइड्रोजन गैस, उसकी फॉर्मेशन होगी। बी पार्ट चेक कीजिए, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो आयरन नेल है, आयरन मतलब लोहे की कील, उसको किसके अंदर रख दिया गया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, क्या होगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, और धीरे धीरे वो जो कलर है उसके अंदर क्या आना शुरू हो जाएगा, चेंज आना शुरू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर मेटल से, वो कॉपर मेटल को हटा देगा उसके साल्ट्स के आयन के साथ से, और सल्फेट आयन के साथ क्या हो जाएगा, वो खुद जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, आयरन सल्फेट बनेगा, और साथ में क्या होगा आपका, कॉपर मेटल डिस्प्लेस हो जाएगी, और जो कलर है हमारे सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, ब्लू कलर से वो लाइट ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलोनी टू का पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस रिवॉल्व इन अ टेस्ट ट्यूब। ए पार्ट, फाइंड व्हाट काइंड ऑफ नेचर ऑफ द गैस। बी, राइट द वर्ड इक्वेशन टू ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। सलोनी ने जो रिएक्शन की है चारकोल की, किसके साथ, गैस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो आपको वो रिएक्शन बतानी है। देखो चारकोल में एक्चुअली होता है क्या, कार्बन प्रेजेंट होता है, तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन का ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो यही दिखाना है आपको, एड सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब इन विच गैस इज कलेक्टेड। आपको क्या करना है, वाटर ले लेना है किस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर उसने क्या किया है, गैस कलेक्ट किया, और गैस कौन से कलेक्ट की हुई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है वो आपस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, क्योंकि उन्होंने बोला ना वाटर डालना है उसके अंदर, तो क्या बनेगा आपका, H2CO3, ये है आपका कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड का नेचर कैसा होगा, नाम ही इसका एसिड है तो एसिडिक नेचर होगा इसका, और एसिड क्या करेंगे, जो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर किस में कन्वर्ट कर देंगे, वो रेड में, बताया था ना मैंने, रेड मतलब डेंजरस साइन होता है हमारे एसिड का। रिएक्शन आपने नीचे चेक ही कर ली होगी, कार्बन जो कि चारकोल के अंदर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो कि हवा के अंदर प्रेजेंट है, फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, गैस का नेचर ये होगा आपका एसिडिक नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वन डे रीटा वेंट टू आ ज्वेलर शॉप विद हर मदर। रीटा है कोई स्टूडेंट है, ये ज्वेलर शॉप पे जाती है ये अपनी मदर के साथ। हर मदर गिव ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। उसकी मदर ने क्या बोला कि जो भी उसके पास जो गोल्ड की ओल्ड ज्वेलरी थी वो गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार को दिया, और उसने बोला कि जो गोल्ड की ज्वेलरी है इसके ऊपर क्या कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए। नेक्स्ट डे व्हेन दे बोर्ड द ज्वेलरी बैक, जब अगले दिन वो ज्वेलरी को वापस लेके आते हैं ज्वेलर से, दे फाउंड दैट देयर वॉज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। उसने उन्होंने क्या चेक किया, जितने वेट का उन्होंने दिया था पॉलिश करने के लिए गोल्ड, ओल्ड गोल्ड, उसका जो वेट था वो थोड़ा कम हो गया था। कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन द वेट,
क्या आप साइंटिफिकली बता सकते हैं कि जो लॉस हुआ है वेट के अंदर, गोल्ड के वेट के अंदर, ओल्ड गोल्ड वेट के अंदर, वो किस वजह से हुआ? क्या ऐसा प्रोसेस हुआ वहाँ पे कि जो गोल्ड है वो क्या हो गया, उसका वेट कम हो गया? तो देखिए क्या है इसका आंसर, टू पॉलिश अ ओल्ड ऑर्नामेंट। कोई भी गोल्ड का जो हमारा ऑर्नामेंट है, कोई भी आभूषण है, गहना है, अगर उसको हमें क्या करना है, पॉलिश करना है, तो उसको डिप करना पड़ता है एक सॉल्यूशन के अंदर। और वो सॉल्यूशन कैसे नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का। किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का। देखिए उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, ध्यान से आप याद रख लेंगे, सॉल्यूशन का नाम है आपका एक्वा रिजिया। कैसा नेचर है सॉल्यूशन का? एसिडिक नेचर। जब भी मेटल जैसे कि अभी हमने कौन सी ली मेटल, यहाँ पे गोल्ड मेटल, किससे रिएक्शन करेगी? एसिड से रिएक्शन करेगी, तो क्या बन जाएगा? सोल्ट बन जाएगा, और साथ में क्या रिलीज होगी? आपकी हाइड्रोजन गैस। तो जो सोल्ट की फॉर्मेशन होगी, उस सोल्ट की वजह से क्या होगा, हमारा जो वेट है वो गोल्ड का वेट कहाँ पे चला जाएगा? सोल्ट बनाने में यूज हो जाएगा, इसलिए गोल्ड का वेट क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। अभी देखिए जो एक्वा रिजिया लिखा हुआ है, एक्चुअल में इसके अंदर कौन से एसिड मिक्स किए जाते हैं? एक्वा रिजिया के अंदर दो एसिड मिक्स होते हैं, एक तो आपका कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका HCl और नाइट्रिक एसिड आपका HNO3। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये कि ये क्या कर लेता है, गोल्ड को डिजोल्व कर लेता है। और जब गोल्ड के ऊपर की लेयर डिजोल्व हो जाएगी, तो जो उसके नीचे वाली लेयर है, जो इनर लेयर है गोल्ड की, वो हमें नज़र आएगी। और वो हमें कैसे नज़र आएगी? शाइनिंग करती हुई नज़र आएगी। तो आपको यही बताना है यहाँ पे, वेट का जो लॉस हुआ है वो किस वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ द अपर लेयर ऑफ द ज्वेलरी। ज्वेलरी का जो ऊपर वाली लेयर है वो हट चुकी है वहाँ से एसिड से रिएक्शन करके, एंड इट्स वेट इज रिड्यूस। और उसका वेट क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर।